हेलो फ्रेंड्स, मैं उनेश फ्रॉम blogtoot.com और आज वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, इस अमेजिंग ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर को बनाने के लिए हम सिर्फ बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम बेस्ट एंड फ्री वर्डप्रेस थीम ओशन WP, बेस्ट एंड फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर एलिमेंटर और कुछ और भी फ्री प्लगइन्स यूज़ करेंगे। इस वेबसाइट के डिज़ाइन, फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ के लिए मैंने इंस्पिरेशन लिया है वर्ल्ड के बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे कि Amazon, Flipkart, Walmart और AliExpress। इस वेबसाइट में जो कि हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, वो तमाम बेसिक और एसेंशियल फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट में होने चाहिए। इस वेबसाइट में आप किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एक सिंपल प्रोडक्ट हो, सेल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो। और कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे आके किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकता है, और जैसे ही वो ऐसे करेगा, कार्ट में शिपिंग कॉस्ट और टैक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशन के हिसाब से। फिर कस्टमर चेकआउट कर सकता है और पेमेंट गेटवे चूज करके आपके वेबसाइट पे पेमेंट कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही खास बात यह है कि पेमेंट आप खुद अपने वेबसाइट पे कलेक्ट कर सकते हैं। आपको कस्टमर को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भेजने की या फिर रीडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं। चाहे वो एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड पेमेंट हो, आप सब के सब पेमेंट खुद अपने वेबसाइट पे कलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव पेमेंट करके भी दिखाऊंगा, और जैसे ही कस्टमर पेमेंट कर देगा, उसे ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएगी, जिसे यूज़ करके वो बाद में अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है। और जब भी आपके वेबसाइट पे कोई नया ऑर्डर आएगा, ऑब्वियसली ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस फ्री कॉमर्स वेबसाइट में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी बहुत बार ऑफर नहीं कर पाते, जैसे कि विशलिस्ट फीचर, ऑर्डर ट्रैकिंग फीचर, वेरिएशन स्वैचेस और ऑब्वियसली क्लीन एंड मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन। और ये वेबसाइट 100% मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली है, और ये बेस्ट SEO सेटिंग्स के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे आपको गूगल में बेटर सर्च रिजल्ट्स मिले। जब भी कोई आपकी वेबसाइट के या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करे, आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग अच्छी मिले। और इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी तरह की टेक्निकल या कोडिंग नॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कोई भी मेरे स्टेप्स फॉलो करके ये वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। अभी मेरे हर वीडियो में मैं वेबसाइट क्रिएट करना सिखाने से पहले एक डेमो वेबसाइट दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जो वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो कैसा दिखता है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। मेन रीज़न इसका ये है बिकॉज मैं नहीं चाहता आप देखेंगे ये वीडियो तकरीबन, मेरे ख्याल से अभी तो मैं जस्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया हूँ, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे का ये वीडियो होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको पूरा 2.5 से 3 घंटे देखने पड़े तो जाके लास्ट में आपको दिखे कि ओके फाइन, ये वेबसाइट हमने क्रिएट किया इतने टाइम में। मैं ये चाहता हूँ कि शुरू में ही आप देख ले कि क्या वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हैं, उसमें कौन से पेजेस है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कैसे उसकी डिज़ाइन है, क्या क्या फीचर्स उसमें अवेलेबल है, और आप डिसीजन ले सके बिल्कुल वेबसाइट के शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है या नहीं। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका होम पेज है, चाहे कोई भी पेज हो, टॉप पे आपको आपका ये हेडर मिलेगा। हेडर में मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, एक है आपका टॉप हेडर जो मैंने अभी मार्क किया है, और उसके बाद आपका मेन हेडर जिसमें आपका ये मेन मेन्यू, ये कार्ट आइकन, ये सब चीज़ें हैं। टॉप हेडर में मैंने कुछ ऐसे लिंक्स दिए जैसे कि माय अकाउंट लिंक। माय अकाउंट पे क्या होगा, अगर कस्टमर क्लिक करेगा वो माय अकाउंट पे जाके जितने उसके ऑर्डर्स है वो देख सकता है। अगर उसने लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ से लॉगिन कर सकता है, या फिर उसने अगर अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और आप यहाँ पर देखेंगे इतनी खास बात कि रजिस्टर करने के लिए सिर्फ हमें उसका ईमेल एड्रेस चाहिए। वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करे, रजिस्टर करे और ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। आपको ये प्रोसेस को बहुत ही ईजी बनाना है, ताकि हम चाहते हैं कि कस्टमर्स हमारे वेबसाइट पे आके ईजिली हर काम कर सके, ईजिली ऑर्डर प्लेस कर सके, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर उतना पढ़ा लिखा ना हो, वो ईजिली हर काम कर सके, ऑर्डर प्लेस कर सके, पेमेंट कर सके। सो हमको ये प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल बनाना होता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। आप देखेंगे जैसे हमने लॉगिन किया, आपको ये अकाउंट मिल जाएगा या फिर आपको ये पेज मिल जाएगा। ये पेज हर कस्टमर को नज़र आएगा, सो हर कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे आ गया, ऑर्डर्स पे क्लिक कर सकता है, वो देख सकता है कौन से ऑर्डर्स उसने आपके वेबसाइट पे किस डेट को प्लेस किए थे, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, ये सब चीज़ें वो यहाँ से देख सकता है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर उसकी रिसिप्ट ये सब भी ले सकता है। अगर आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे कि MP3, PDF फाइल, सो डाउनलोड्स में जाके कस्टमर वो प्रोडक्ट्स अगर उसने परचेस किया है यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अगर कस्टमर को अपने एड्रेस को चेंज करना है या फिर मैनेज करना है, यहाँ से कर सकता है।
उसके बाद अगर कस्टमर चाहे तो अकाउंट डिटेल्स पे जाके यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस कर सकता है, जैसे कि अपने पासवर्ड के चेंज कर सकता है, ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकता है और विश लिस्ट में जाके जितने प्रोडक्ट्स को उसने विश लिस्ट किया था वो सब के सब यहाँ पर देख सकता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कुछ ऐसा ऑर्डर पेज बनाया है। अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर्स पे जाए आपको ये ऑर्डर डिटेल मिल जाएगा, ये रहा आपका ऑर्डर नंबर। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपको पूरा का पूरा आपका ऑर्डर डिटेल मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ टॉप पर आपको ये लिंक है ट्रैक ऑर्डर, यहाँ पर जाइए, अपना ऑर्डर का नंबर टाइप कीजिए जो आपको पिछले स्टेप में दिखा होगा 322, और आपका ईमेल एड्रेस जिससे आपने ये परचेस किया था वो टाइप कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये आपके ऑर्डर को ट्रैक करेगा, दिस ऑर्डर वॉज प्लेस्ड ऑन दिस डेट एंड इज करेंटली प्रोसेसिंग, मतलब आपका ऑर्डर अभी भी प्रोसेसिंग में है और आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है, सब की सब डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्योंकि हम शिपिंग और टैक्स को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट का प्राइस था 15 रुपीज़, उस पर आपने कुछ शिपिंग डिटेल जो भी आपने डिलीवरी का चार्ज शिपिंग चार्ज वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अगर GST पे 10% था सो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया और पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो हर तरीके की चीज़ हर चीज़ यहाँ पर सक्सेसफुली आपको नज़र आएंगी। उसके बाद फिर से हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं। अब ये काम अगर आप देखें, अगर आप नीचे स्क्रॉल करें आप देखेंगे मेन्यू बार आपके साथ हमेशा रहता है, मेन्यू बार डिसअपियर नहीं होता है। इसलिए है कि अगर कस्टमर नीचे स्क्रॉल भी करे अगर उसे किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करना है वो इजीली यहाँ से क्लिक कर सके। उसके बाद आपका मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो आपका लोगो है, बहुत ही सिंपल सा बट अमेजिंग सा लोगो है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे पहले आपका मेन्यू है, उसके बाद आपका एक कार्ट आइकन है। कार्ट आइकन पे जैसे आप अपना माउस लेके जाएंगे, अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे, कार्ट में आपने जो भी ऐड किया है सब आपको दिख जाएगा, कितना प्राइस है। अगर आप चाहें तो व्यू कार्ट पे क्लिक करके अपने कार्ट पेज को देख सकते हैं, ये रहा आपका कार्ट पेज। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस पे चेकआउट पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद सिंपली चेकआउट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपका सर्च बार है, सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका कंप्लीट मेन्यू सर्च बार में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। फिर होम पेज पे आपको दिखेगा ये है आपका मेन पेज, मेन पेज जो आपका ये होम पेज है। हर पेज को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है और यहाँ भी वैसे ही तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट सेक्शन है। इस सेक्शन को हीरो सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टाइटल, सब टाइटल और दो कॉल टू एक्शन बटन मिलेंगे और जैसे आप कॉल टू एक्शन बटन किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे आप कस्टमर को किसी दूसरे पेज पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज हमने डिफरेंट ऑटोमेटिकली चीज़ें क्रिएट की हैं। अगर आपको कोई कस्टमर चाहे तो शर्ट्स को देखना है वो शर्ट्स पे क्लिक करेगा, उसे सिर्फ शर्ट्स दिखेंगे। कोई वॉचेस परचेस करना चाहता है वॉचेस पे क्लिक करेगा, उसे सिर्फ वॉचेस प्रोडक्ट्स दिखेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक कैरोसेल का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आप उन ब्रांड्स को डाल सकते हैं जो आप अपने वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं या फिर जिनके साथ आपने पार्टनरशिप की है या फिर अगर कोई आपके क्लाइंट्स हैं तो उनके भी यहाँ पर लोगो चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक टैब का सेक्शन मिलेगा। टैब के सेक्शन में क्या होता है, न्यूएस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट, इस हिसाब से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट पे हावर करेगा आप देखेंगे इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और उसे दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। अगर वो चाहे तो इस प्रोडक्ट को ऐड टू विशलिस्ट कर दे और बाद में विशलिस्ट पेज पे जाके देख सके जिस जिस प्रोडक्ट को उसने विशलिस्ट किया था। या तो कस्टमर चाहे तो क्विक व्यू पे क्लिक कर सकता है, इससे उसे क्या होगा, उसे ये प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं, बिना ओपन किए ही वो प्रोडक्ट के बारे में सब के सब डिटेल्स देख सकता है और बिना ओपन किए ही वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी कर सकता है। सो ये एक फीचर है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप फ्री शिपिंग या फिर जो भी शिपिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 24/7 गारंटी, ईजी पेमेंट, इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर बॉटम में आप देख सकते हैं हमने ब्लॉग्स भी क्रिएट किया है। ब्लॉग्स इसलिए क्रिएट किया जाता है, ये पोस्ट या ब्लॉग्स इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि इसके थ्रू आप एक्स्ट्रा ट्रैफिक और भी एडिशनल ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकें। और ऑब्वियसली बॉटम में आपका फुटर आपको नज़र आएगा जो बहुत ही सिंपल सा एक फुटर है। उसके बाद अगर आप चाहें तो शॉप पेज को ओपन कर सकते हैं। शॉप पेज आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमने ये शॉप पेज को क्रिएट किया है। शॉप पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सर्च बार है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है टाइप कीजिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर बजट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट सिर्फ 1000 रुपीज़ तक है आप यहाँ 1000 रुपीज़ तक फिल्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो 1000 रुपीज़ के अंडर में है। सो अगर आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आपको सिर्फ ब्लैक कलर का प्रोडक्ट चाहिए, आप ब्लैक पे क्लिक करें, अभी जो जो प्रोडक्ट ब्लैक कलर का है वो सिर्फ आपको डिस्प्ले होगा। इस तरीके से सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ये रहा आपका बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे डिस्प्ले किया है। लेफ्ट हैंड साइड में तो वो इमेज है जो प्रोडक्ट की इमेज है, उसके बाद कुछ और भी एडिशनल इमेज हमने गैलरी इमेजेस उसके साथ दी है। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके बाजू में आप देखेंगे ये आपको ये एरोस मिलेंगे, अगर आप प्रीवियस प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना चाहें वो भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस है, उसका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इसे ऐड टू कार्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इसे पे करना चाहें सो पे नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट पेमेंट अभी हो जाएगा, आपको फिर से इसे ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक क्लिक में आप इसे परचेस कर सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। अगर किसी ने कोई रिव्यू यहाँ पर दिया है तो वो रिव्यू भी आप यहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप खुद चाहे तो यहाँ पर रिव्यू दे सकते हैं। फिर आप प्रोडक्ट को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को ट्विटर पे, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। हमने लास्ट में रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन दिया है, ताकि अगर किसी बंदे को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आए सो दूसरे प्रोडक्ट्स देख सके, जो भी प्रोडक्ट उसे पसंद आए वो उसे चूज़ कर सके। उसके बाद आप देखेंगे आपका ब्लॉग पेज है, जब आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे ये रहा आपका ब्लॉग पेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको ब्लॉगिंग करना भी सिखाऊंगा इस वीडियो में। फिर आपके पास ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज भी है। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए मैंने एक काम किया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो का लेंथ 10 घंटे की वीडियो हो, सो उसको कम करने के लिए मैं आपको अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज फ्री में दे दूंगा, ताकि आप सिंपली उसे एक क्लिक करें और ये कंप्लीट पेज आपके सामने आ जाएगा। इनफैक्ट इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो भी इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं, सब के सब इमेजेस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करें, सब के सब इमेजेस, जो भी फाइल मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है, सब के सब आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और आई गेस तो यही था एक छोटा सा डेमो जो मैं आपको शुरू में दिखाना चाहता था। अभी आई होप आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो गया होगा जो वेबसाइट आप इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये डेमो वेबसाइट पसंद आया, अगर आप लोग ये एग्जैक्ट सेम वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं सो मेक श्योर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल देखें थ्रू आउट दी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे लिए, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई वुड हाईली रिकमेंड एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप लोग ये वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। और आई गेस तो चलिए अभी इस वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और आई गेस तो किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी हो, मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट करनी हो, बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग, किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम और दूसरा होता है आपका होस्टिंग अकाउंट। डोमेन नेम बेसिकली आपका URL होता है, आपका वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि nayashik.com, blogdude.com, youtube.com, google.com, ये सब चीज़ें डिफरेंट डोमेन नेम्स है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी आपके वेबसाइट पे अगर आना चाहे सो उसके पास कुछ हो, कोई एड्रेस हो जो टाइप करके आपके वेबसाइट पे पहुंच सके। सो जब भी किसी को आपके वेबसाइट पे आना होगा वो गूगल पे जाके या फिर अपने URL बार में आपका डोमेन नेम टाइप करेगा और आपकी वेबसाइट पे पहुंच सकता है। जैसे कि मेरा मेन वेबसाइट है blogdude.com, इस तरीके से हमें एक डोमेन नेम बुक करना होता है, रजिस्टर करना होता है। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है होस्टिंग अकाउंट। होस्टिंग बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जहां पर आपका कंप्लीट वेबसाइट सेव्ड होता है। सो ये कंप्लीट वेबसाइट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके जितने पेजेस है, जितने प्रोडक्ट्स है, जितना मीडिया फाइल है, सब के सब इनफैक्ट एक कंप्लीट वेबसाइट एक कंप्यूटर में सेव्ड है, और वो कंप्यूटर 24/7 24 घंटे चलता रहता है, ताकि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से किसी भी वक्त आपके वेबसाइट पे अगर आना चाहे वो आ सके, और आपका वेबसाइट हमेशा अप एंड रनिंग होनी चाहिए। So, ये होता है होस्टिंग। और होस्टिंग आपकी वेबसाइट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे और गूगल में आपकी रैंकिंग, सब के सब आपकी होस्टिंग पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। अगर आपने एक अच्छी होस्टिंग चूज की है, अगर आपने एक अच्छी होस्टिंग सेलेक्ट की है, आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त होगी। बट अगर आपने एक अच्छी होस्टिंग सेलेक्ट नहीं की है, आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो चलेगी। आपने भी कभी ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा, जब कभी कभी ये होता है किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, वो वेबसाइट को लोड होने में ही कई मिनट लग जाते हैं। सो वो इसलिए होता है बिकॉज उनकी होस्टिंग बहुत ही घटिया होती है, और इसलिए वो वेबसाइट को बहुत ही लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
एट द सेम टाइम आपने ये भी एक्सपीरियंस होगा कि किसी वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वो वेबसाइट एक सेकेंड के अंदर में भी आप कंप्लीट वेबसाइट लोड हो जाती है, जितने उसके पेजेस है, जितने उसकी मीडिया है। ये इसलिए होता है बिकॉज वो वेबसाइट पे बहुत ही अच्छी होस्टिंग है। जब भी आप कोई दूसरे पेज पे भी क्लिक करते हो या फिर प्रोडक्ट पे भी क्लिक करते हो, वो पेज या फिर वो प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। सो हमें भी अपने वेबसाइट के लिए एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। मार्केट में अभी हज़ारों डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली एक नया टैब ओपन करें और टाइप करें blogtoot.com/sg। sg का फुल फॉर्म है साइट ग्राउंड, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। सो आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपली उस लिंक पर क्लिक करें, आप इस पेज पर आ जाएंगे। अभी ये एक वाहिद एक सिंगल सा इन्वेस्टमेंट है जो ऑब्वियसली आपको करना होगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो हमेशा 24 घंटे चलते रहते हैं। सो आपका वेबसाइट कोई अपने सर्वर में सेव कर रहा है, वो सर्वर को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो टेक्नीशियन है, बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका पूरा कॉस्ट है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको फ्री में नहीं मिल सकती। सो ये एक अकेली चीज़ है, ये एक छोटा सा अकेला इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना पड़ता है। बट इसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, सब की सब चीज़ें फ्री होंगी, चाहे थीम हो, चाहे प्लगइन्स हो, कुछ भी हो, चाहे पेज बिल्डर हो। सो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल है, स्टार्टअप, ग्रोबिग और गोगीक। अभी अगर आपको एक छोटा सा आंसर चाहिए कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा ग्रोबिग प्लान सेलेक्ट करें और गेट प्लान पे क्लिक कर दे। बट अगर आपको समझना है कि हमने साइड ग्राउंड क्यों चूज़ किया और साइड ग्राउंड में ग्रोबिग प्लान को क्यों चूज़ किया, सो थोड़ा 2-4 मिनट आप इस वीडियो में इसको देख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, मार्केट में हज़ारों डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, हम साइड ग्राउंड को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। साइड ग्राउंड को मैं चूज़ कर रहा हूँ और रेकमेंड कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं यूट्यूब पे ये वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स तकरीबन 5 सालों से क्रिएट कर रहा हूँ, और इस दरमियान, इस एक्सपीरियंस में, इस प्रोसेस में मैंने बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स चूज़ किया है और एक्सपीरियंस किया और ट्राई किया है। मैंने सबसे पहले जो होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ किया था वो था होस्टगेटर। होस्टगेटर के साथ मैंने अपना पहला वेबसाइट क्रिएट किया था। उसके बाद मुझे पता चला कोई और भी बेटर होस्टिंग्स है, सो मैंने उनको ट्राई किया। इस तरीके से मैंने बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग ट्राई किया हूँ, जैसे कि A2 होस्टिंग, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, TMD होस्टिंग, साइटग्राउंड, ऐसे मैंने बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग्स ट्राई किया है। और इसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि बिकॉज मैं ये ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज मुझे अप्रोच करती है, मुझे होस्टिंग्स फ्री में ट्राई करने को मिलता है। सो इसके वजह से मैंने बहुत सारे होस्टिंग ट्राई किया है, और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट होस्टिंग है साइटग्राउंड। और यही रीज़न है कि मेरे खुद के पर्सनल वेबसाइट्स भी, जैसे कि blogtoot.com, nayashik.com, fahm.in, इस तरीके से और भी बहुत सारे बिजनेसेस वेबसाइट्स है जो मैं ओन करता हूँ, सब के सब वेबसाइट साइटग्राउंड पे होस्टेड है। इसीलिए हम साइटग्राउंड को चूज़ कर रहे हैं, और स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए साइटग्राउंड सबसे बेस्ट होस्टिंग है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स नॉर्मली थोड़ी हैवी वेबसाइट होती है, बिकॉज इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स, कई सारे प्लगइन्स और कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होते हैं, इसलिए इसके लिए हम साइटग्राउंड चूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 3 डिफरेंट प्लान्स है, स्टार्टअप, ग्रोबिग और गोगीक। पहले तो आप देख लेते हैं कि एक कोई भी प्लान चूज़ करने से आप कितने वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने स्टार्टअप प्लान चूज़ किया, आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आज आप ये ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अगर यही एक वेबसाइट क्रिएट करना है, उसके बाद कोई भी वेबसाइट आपको क्रिएट नहीं करना है, सो आप स्टार्टअप प्लान चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने ग्रोबिग प्लान चूज़ किया, इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आज तो आप ये ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कल को अगर आपको एक ब्लॉग क्रिएट करना हो, या फिर एक बिजनेस वेबसाइट, या फिर एक मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट करनी हो, उसके लिए फिर से आपको होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप इसी होस्टिंग में हज़ारों डिफरेंट वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको देखना है किस होस्टिंग प्लान के साथ आपको कितनी वेब स्पेस मिलती है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ग्रोबिग में आपको 20 GB, स्टार्टअप में 10, और गोगीक में 30 GB वेब स्पेस मिलता है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली आपको कितने वेब स्पेस की ज़रूरत है। अगर आप मेरा ये डेमो वेबसाइट देखें, ये कंप्लीट वेबसाइट, इसमें इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, इतने सारे डिफरेंट पेजेस है, इतना सारा डिफरेंट मीडिया फाइल्स है, ये कंप्लीट वेबसाइट हार्डली 200 MB का है। और मतलब इसका क्या हुआ, अगर आपने ये वेबसाइट क्रिएट किया और अगर आपने ग्रोबिग प्लान चूज़ किया, इस तरीके के आप 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपका वेबसाइट बहुत ही हैवी है, आपने 1,00,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है, फिर भी आपका वेबसाइट का अमाउंट मोर देन आपका वेबसाइट का साइज़ 5 GB से ज़्यादा नहीं होगा, सो आपको बिल्कुल यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये वेब स्पेस आपका SSD स्पेस है।
नॉर्मली ज़्यादातर जो होस्टिंग कंपनीज है जैसे कि होस्टगेटर और दूसरी कंपनीज, वो लोग HDD स्पेस यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर SSD स्पेस यूज़ हो रहा है। SSD स्पेस नॉर्मली HDD स्पेस से बहुत ही फास्ट, इनफैक्ट समटाइम्स 20-25 times फास्टर होता है, मतलब 20 गुना ज़्यादा फास्टर होता है वो प्लान जो यहाँ पर साइड ग्राउंड में यूज़ हो रहा है। सो आपको बहुत ही अच्छी वेब स्पेस मिलती है अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर होस्टेड होगी। आपकी वेबसाइट बहुत ही जल्दी ओपन होगी और जब भी कोई दूसरे लिंक पर क्लिक करेगा वो लिंक भी बहुत जल्दी ओपन होगा। फिर थर्ड प्लान है, थर्ड बेसिकली ये जो ऑप्शन आपको दिया है, थर्ड ऑप्शन ये आपको एक आइडिया देने के लिए दिया है कि किस प्लान कौन सी वेबसाइट्स के लिए बेटर है। सो जैसे कि ग्रोबिग प्लान उन वेबसाइट्स के लिए बेटर है जिनमें अराउंड 25,000 मंथली विजिटर्स आते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो जाती है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सपोज ग्रोबिग प्लान चूज़ किया और अगर आपके वेबसाइट पे या फिर उनके वेबसाइट पे 25,000 से ज़्यादा मंथली विजिटर्स आने लगे सो साइड ग्राउंड उनको गोगिग पे अपग्रेड करने को बोलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ग्रोबिग प्लान चूज़ किया और अगर आपके वेबसाइट पे 50-60,000 से भी ज़्यादा मंथली विजिटर्स आ रहे हैं फिर भी आपके वेबसाइट को ये ईजिली हैंडल कर सकता है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर हर प्लान के साथ आपको कुछ एसेंशियल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप मेरे डेमो वेबसाइट पे देखें यहाँ पर URL बार में आपको ये लॉक पैड मिलेगा, अगर आप उस पर क्लिक करें आपको ये लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। सो ये SSL सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप e-commerce वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं सो ये कंपलसरी है, बिकॉज अगर आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है आप अपने वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको फ्री बिजनेस ईमेल अकाउंट्स भी मिलते हैं। बिजनेस ईमेल अकाउंट क्या होते हैं? रेगुलर ईमेल अकाउंट तो होते हैं जैसे कि nayyar@gmail.com, nayyar@yahoo.com। बिजनेस ईमेल अकाउंट्स आपने देखा होगा info@websitename.com, जैसे कि admin@blogdude.com। इस तरीके के बिजनेस ईमेल अकाउंट्स आप अनलिमिटेड फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। आपको फ्री Cloudflare CDN भी मिलता है जिससे आपकी वेबसाइट बहुत ही सिक्योर हो जाती है, किसी के लिए भी आपकी वेबसाइट को हैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद आपको फ्री डेली बैकअप्स भी मिलते हैं। इससे क्या होता है अगर आपकी वेबसाइट हैक भी हो जाए या फिर आपके वेबसाइट पे कुछ हो भी जाए फिर भी आपके पास डेली बैकअप अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करके अपने वेबसाइट को ईजिली रिस्टोर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, 24 घंटे का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कोई वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी वेबसाइट फॉर सम रीज़न स्लो चल रही है या फिर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, SSL इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, सो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। और आई गेस आप देख सकते हैं ये थे वो तीन डिफरेंट प्लान्स। अभी ज़्यादातर लोगों के लिए स्पेशली ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा आप लोग ग्रोबिग प्लान से शुरू करें। सो ये प्लान चूज़ करें और गेट प्लान बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप वो करेंगे आप ये पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, आपको ये पेज नज़र आएगा। अभी यहाँ पर आपको एक नया डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है। सो जो भी डोमेन नेम आपको चाहिए यहाँ पर टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डोमेन नेम रजिस्टर करना है nayyarshaikh.com, मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा nayyarshaikh और यहाँ पर .com, .net, .n जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी डोमेन नेम एक्सटेंशन सेलेक्ट करना है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको .com नहीं मिलता सो इंडिया के लिए .in एक स्पेसिफिक डोमेन नेम एक्सटेंशन है, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप UK की मार्केट को फोकस कर रहे हैं सो .co.uk भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप US के मार्केट को, US के कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं सो आप .us भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ये डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं मिले सो आप .online, .blog, .shop इस तरीके के डोमेन नेम एक्सटेंशंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपली आप अपना डोमेन नेम टाइप करें, डोमेन नेम एक्सटेंशन सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना डोमेन पहले ही परचेस करके रखते हैं GoDaddy, Namecheap टाइप की वेबसाइट्स पे। सो अगर आपने भी पहले ही एक डोमेन नेम परचेस करके रखा है किसी दूसरे वेबसाइट पे, आप सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन नेम, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे आप ये करेंगे आपको थर्ड स्टेप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन टाइप करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करना होता है और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे ये आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। मतलब कल को अगर आपको साइड ग्राउंड के अकाउंट पे लॉगिन करना है आपको ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करना होगा। सो मेक श्योर आप जो भी यहाँ पर टाइप करें आप उसे याद रखें, इस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को याद रखें। उसके बाद क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना कंट्री नेम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर टाइप करना है।
यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है, इनको आप छोड़ सकते हैं, कंपनी नेम और टैक्स आईडी, ये कंपलसरी नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी कार्ड है आपके पास, उसका कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का CVV नंबर है वो, और कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर टाइप करना है। अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि यहाँ पर 3 टाइप के कार्ड्स एक्सेप्टेड हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। वीज़ा और मास्टर कार्ड तो बहुत ही कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास रुपे कार्ड है। सो अगर आपके पास भी रुपे कार्ड है, रुपे एक डोमेस्टिक कार्ड है, एक नेशनल कार्ड है, मतलब आप उसे इंडिया के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप रुपे कार्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर इसी तरीके की कोई डोमेस्टिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आपके पास वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड है। अगर आपके पास रुपे कार्ड है, बैंक में जाइए, उनको कार्ड एक्सचेंज करने को बोलिए, 7 दिन के अंदर में वो आपका कार्ड वीज़ा या मास्टर कार्ड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको आपका परचेस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है। प्लान में हमने ग्रोबिक प्लान चूज़ किया है जो कि ठीक है। डेटा सेंटर लोकेशन आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट के एड्रेस के हिसाब से या फिर आपके लोकेशन के हिसाब से चूज़ हो जाता है। मैं इंडिया में हूँ सो मेरे लिए सिंगापुर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। पीरियड में आपको 12 मंथ रहेगा, मेक श्योर आप इसे चेंज ना करें वरना आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सो पीरियड में 12 मंथ रहने दें। अभी बॉटम में आइए, इन दोनों चीज़ों को टिक मार्क कर दें। अभी अगर आप देखेंगे आपको टोटल प्राइस जो पे करना है, टोटल अमाउंट जो पे करना है वो है सिर्फ $71। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि साइटग्राउंड मेरे हिसाब से नंबर 1 होस्टिंग है मार्केट में। नंबर 1 होस्टिंग के लिए आपको एक कंप्लीट पूरे साल की होस्टिंग के लिए सिर्फ $71 पे करने हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें किसी नॉर्मल से एक रेगुलर होस्टिंग के साथ भी, वहाँ भी एक रेगुलर होस्टिंग प्रोवाइडर भी फर्स्ट ईयर के लिए आपको $100 से ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा यह है कि आपको $71 में आपको एक कंप्लीट ईयर का होस्टिंग मिल जाता है। सो आप एक काम करें, ऊपर जाके सब चीज़ टिक मार्क कर ले, एक और बार चेक कर ले जो भी आपने एंटर किया है। बॉटम में आके पे नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप एक नया टैब ओपन करें और टाइप करें my.siteground.com। आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चूज़ करना है जो पिछले स्टेप में आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सेलेक्ट किया था। सो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जो भी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने डाला था, सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर दें। अभी आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पर अभी आप एक काम करें, वेबसाइट्स पे क्लिक करें। यहाँ पर अभी आपने जितने भी वेबसाइट्स इसके साथ लिंक किए हैं, सबके सब वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। आपको याद होगा हमने ये वाला वेबसाइट, ये वाला डोमेन नेम रजिस्टर किया है, nayashek.com। आपको जो भी डोमेन नेम आपने रजिस्टर किया है, उस डोमेन नेम के अंडर में आपको ये साइट टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है, 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि अभी आपने जस्ट एक नया डोमेन नेम रजिस्टर किया है साइटग्राउंड के साथ, आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। सेकंड सिनेरियो या फिर सेकंड केस ये हो सकता है कि आपने पहले ही डोमेन नेम कहीं और रजिस्टर कर रखा है, जैसे कि godaddy.com पे। सो अगर आपने ये किया है, सो पहले आपको उस डोमेन नेम को साइटग्राउंड के साथ लिंक करना होगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करते हैं। उसके लिए आप godaddy.com पे जाइए या फिर जहाँ भी आपने अपना डोमेन नेम रजिस्टर किया है वहाँ पर जाइए और साइन इन कीजिए। जैसे आप साइन इन करेंगे, जितने भी डोमेन नेम्स आपने यहाँ पर रजिस्टर किए, सब के सब डोमेन नेम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ इस एग्जाम्पल में अगर मुझे ये वाला डोमेन नेम साइटग्राउंड के साथ लिंक करना है, privilegebags.in, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और DNS पे क्लिक कर दूँगा। अभी आपको यहाँ से इसके नेम सर्वर्स को चेंज करना होता है, उसके लिए चेंज पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपको 2 नेम सर्वर्स मिलेंगे, दोनों को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। फिर अपने वेबसाइट पे आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको खुद के पर्सनल नेम सर्वर्स मिल जाएंगे। इन्हें कॉपी करें यहाँ से और इन्हें name server 1 में और सेकेंड लाइन को name server 2 में पेस्ट करके सेव पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, इसको कनेक्ट होने में, आपके डोमेन नेम को साइटग्राउंड के साथ कनेक्ट होने में 24 घंटे तक लग सकते हैं, बट उस टाइम तक हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने डोमेन नेम पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें, SSL मैनेजर पे क्लिक करें। यहाँ पर अभी आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लें। अभी इस ट्यूटोरियल के लिए मैं ये वाला डोमेन नेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ecom2.nayashek.com। सो जो भी आपका डोमेन नेम है वो यहाँ से सेलेक्ट करें और सेलेक्ट SSL में लेट्स इनक्रिप्ट सेलेक्ट करें। लेट्स इनक्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद गेट पे क्लिक कर दें और 2 मिनट के अंडर में आपके डोमेन नेम पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे डोमेन नेम पर SSL पहले से इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं इस डोमेन नेम पर SSL पहले से एक्टिव है।
जैसे आप अपने डोमेन नेम पर SSL इंस्टॉल कर ले, उसके बाद आप अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से आप वर्डप्रेस पे क्लिक करें, इंस्टॉल एंड मैनेज पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वर्डप्रेस और वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स। आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले वर्डप्रेस का, उसके बाद अपना डोमेन नेम यहाँ से सेलेक्ट करें। मैं ये वाला डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ecom2.netshake.com। इंस्टॉलेशन पाथ को छोड़ दीजिए, जो है जैसा है उसे छोड़ दीजिए, कुछ भी वहाँ पर टाइप मत कीजिए। लैंग्वेज को भी छोड़ दीजिए, इंग्लिश रहने दीजिए और इस चीज़ को अनटिक कर दीजिए। ये टिक मार्क रहेगा आपके लिए, इंस्टॉल वर्डप्रेस स्टार्टर, ये टिक है, इसे अनटिक कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एक यूज़र नेम चूज़ करना है। जो भी आपको यूज़र नेम पसंद हो आप अपना यूज़र नेम यहाँ से चूज़ कर ले, और आपके लिए जो भी आपको एक पासवर्ड रखना है ये पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लें। उसके बाद आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दें। अभी फिर से जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉगिन डिटेल बन जाता है। ये लॉगिन डिटेल आपके वेबसाइट से रिलेटेड है। जब भी आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना होगा, आपके वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। सो मेक श्योर इनको भी आप याद रखें। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अभी आपके डोमेन नेम पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। विद इन 10 to 12 seconds, 10-12 seconds में ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाए, आप नीचे स्क्रॉल करें। अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपका डोमेन नेम यहाँ पर शो करेगा, और आपके डोमेन नेम के पास में, आपके डोमेन नेम के साइड में ये बटन आपको मिलेगा, लॉग इन टू एडमिन पैनल। उस बटन पे क्लिक कर दें, एक नया टैब खुल जाएगा और ये है आपका डैशबोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ये जो डैशबोर्ड का पेज है ये आपके वेबसाइट पे सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, बिकॉज इसी पेज से आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। अगर आपके वो अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज करना है, आपके आपके वेबसाइट पे कुछ नया फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बट अगर आपको इसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, ये सब की सब चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। और जब भी आपको इस पेज पे आना होगा, आप क्या करेंगे, आप अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, और उसके बाद टाइप करेंगे /wp-admin। आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी जब भी आप अपने डैशबोर्ड पे आए, कुछ चीज़ें होती है, या फिर जब भी कोई नए डोमेन नेम पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, और कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं जो आपको करने चाहिए। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये मेन्यू है, साइड बार मेन्यू है। यहाँ पर सबसे पहले आपका डैशबोर्ड का ऑप्शन है, ये रहा आपका डैशबोर्ड। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट के ऑप्शन से आप क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे, ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उनको मैनेज करेंगे। फिर मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आपको नया मीडिया, नया इमेजेस ऐड करना है, यहाँ से ऐड करेंगे या फिर उनको मैनेज करेंगे। फिर पेजेस का ऑप्शन है, जो भी आपको पेजेस क्रिएट करने हैं फ्यूचर में, अबाउट पेज, होम पेज, जो भी पेजेस है आप सबके सब यहाँ से क्रिएट करेंगे या फिर उनको डिलीट करेंगे। कॉमेंट्स में से आप कॉमेंट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी कॉमेंट आपके वेबसाइट पर आए आप देख सकते हैं, अगर वो कॉमेंट ठीक है आप उसे अप्रूव कर सकते हैं, अगर कॉमेंट में कोई गाली है या फिर ऐसा कुछ है आप उसे स्पैम या फिर ट्रैश कर सकते हैं। उसके बाद आपका अपीयरेंस का ऑप्शन है, जब भी आप अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कुछ प्लगइन्स या फिर कुछ थीम्स यहाँ पर आपके लिए पहले से इंस्टॉल है। ये सब थीम्स है। थीम क्या होता है, थीम आपके वेबसाइट का डिज़ाइन होता है। राइट नाउ आप देखेंगे आपके वेबसाइट पे 2020 थीम इंस्टॉल और एक्टिवेटेड है। अभी आप अगर अपने वेबसाइट को एक नए टैब में ओपन करें, आपका वेबसाइट कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये बिकॉज ऑफ द थीम है। जब भी अगर आपको अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज करना होता है, आप अपने वेबसाइट पे थीम को चेंज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे अपने वेबसाइट पे, सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस ये कर देते हैं कि 2017 थीम को एक्टिवेट कर देते हैं, 2017 या फिर 2019 या फिर कोई भी थीम को यहाँ से एक्टिवेट कर दें। उसके बाद अगर आप अपने वेबसाइट पर आके इसे रिफ्रेश करें, आप देखेंगे अभी आपका वेबसाइट कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे ही वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये होता है थीम का कमाल, थीम आपके वेबसाइट के डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। हमारे पास हमेशा सिर्फ एक थीम होनी चाहिए, सो जो एक्स्ट्रा थीम्स है उनको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से, कोई भी एक थीम यहाँ से एक्टिवेट करके बाकी के सब थीम को डिलीट कर दें। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको प्लगइन्स का ऑप्शन है, प्लगइन्स पर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लगइन आपके लिए पहले से इंस्टॉल और एक्टिवेटेड है, SG Optimizer। ये प्लगइन आपको उसी टाइम नज़र आएगा अगर आप साइट ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, बिकॉज ये प्लगइन आपके वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और प्लगइन का क्या काम क्या होता है, प्लगइन एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। अगर आपको कोई भी अपने वेबसाइट पे नए फीचर्स या फिर नए ऑप्शंस या फिर नए फंक्शनैलिटीज ऐड करनी हो, आप एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके वेबसाइट पे कोई भी ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है जिससे आप अपने वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बना सके। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट अगर आपको ये फीचर्स, ये सब फीचर्स और फंक्शनैलिटीज आपके वेबसाइट पे ऐड करनी है, एक प्लगइन आता है जिसका नाम है WooCommerce, फ्री प्लगइन है, वो आपको यूज़ करना है और वो प्लगइन, वो सॉफ्टवेयर आपके वेबसाइट में वो सब के सब फीचर्स ऐड कर देगा। आगे चल के हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको आपका साइट टाइटल और टैगलाइन है। साइट टाइटल में जो भी आपका वेबसाइट का नाम आप देना चाहें, ये आपका कंपनी का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपके वेबसाइट का यूआरएल का नाम हो सकता है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। टैगलाइन में आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट को 2-4 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका ये वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस है। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा HTTP, इसे HTTPS बना दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी HTTPS, बिकॉज अगर अभी आप देखें तो आपका वेबसाइट अभी सिक्योर नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करें, योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर, मतलब SSL प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, उसके लिए आपको इसे HTTPS करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर आप नीचे स्क्रॉल करें, मेक श्योर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर सही है, कोई गलत ईमेल एड्रेस नहीं है। अभी मेंबरशिप में इसे टिक मार्क कर दे, एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आपने इसे टिक मार्क नहीं किया, कोई भी आपके वेबसाइट पे आके अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा, जो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। मेक श्योर आप इसे टिक मार्क करें, बॉटम में जाके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव चेंजेस करेंगे, आप लॉग आउट हो जाएंगे। अभी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके फिर से लॉग इन करना है। अभी आप फिर से अपने वेबसाइट पे जाके अगर आप इसे रिफ्रेश करें और फिर भी अगर आपको नॉट सिक्योर मिले, कहीं भी क्लिक कर दीजिए, किसी भी लिंक पे, जैसा कि ये एक लिंक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको ये लॉक पैड मिल जाएगा, मतलब अभी आपके वेबसाइट पे SSL 100% सिक्योर हो चुका है। फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए, सेटिंग्स के अंडर में आपको परमालिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर मेक श्योर आपका पोस्ट नेम सिलेक्टेड है। अगर न्यूमेरिक, कस्टम स्ट्रक्चर, डे एंड नेम ऐसा कोई सिलेक्टेड है, आप उसे अनसेलेक्ट करके पोस्ट नेम को सेलेक्ट करें और बॉटम में सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद सेटिंग्स के अंडर में डिस्कशन का टैब है, उस पर क्लिक करें और मेक श्योर ये चीज़ टिक मार्क है, अलाउ पीपल टू कॉमेंट ऑन न्यू पोस्ट। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। अभी जब भी आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, आपको ये सब विजिट्स मिलेंगे, ये कुछ काम के विजिट्स नहीं हैं, सो हम इन्हें स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके इन सबको यहाँ से हटा देंगे। आगे चल के आप देखेंगे कुछ काम के विजिट्स, यूजफुल विजिट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे जिससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। और आई गेस, सो इसी के साथ आपकी वेबसाइट के जो भी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक सेटिंग्स थी, हमने उसे कम्प्लीट कर लिया है। और गाइस, तो चलिए भैया हम एक काम करते हैं, अभी हम अपने वेबसाइट पे नया थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज राइट नाउ अगर आप देखें, आपके वेबसाइट का डिज़ाइन काफ़ी भद्दा लग रहा है और हमें इस भद्दे से, इस सिंपल से वेबसाइट को कुछ इस तरीके से खूबसूरत से वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ऑब्वियसली हमें नए थीम्स और नए प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप एक काम करें, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आपको ये अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आप ऐड न्यू पे क्लिक कर दें, यहाँ पर बिकॉज हमें एक न्यू थीम ऐड करना है, यहाँ पर हमने ये क्लिक किया। सर्च थीम में आप टाइप करें ओशन WP, जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको ये थीम मिल जाएगा ओशन WP, इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लें। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट एंड फ्री थीम में सबसे बेस्ट थीम है। बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स है जो पेड थीम, प्रीमियम थीम्स भी नहीं ऑफर करते। अब उसके बाद आप इसे एक्टिवेट पर क्लिक कर दें। जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं, आप जब भी किसी थीम या प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, हमेशा वो आपको कुछ और भी प्लगइन्स और थीम्स रेकमेंड करेगा, सो आपको मोस्ट ऑफ टाइम्स डिसमिस कर देना चाहिए, डिसमिस दिस नोटिस पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो एक्स्ट्रा थीम है, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं, 2017 की, इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये सिर्फ ओशन WP थीम होना चाहिए। अभी चलिए हम एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आप एक नया टैब ओपन करेंगे, टाइप करेंगे blogdoot.com/elementor। ऑब्वियसली ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सिंपली आप उस पर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाएंगे। ये एलिमेंटर एक फ्री पेज बिल्डर है, बट ऑब्वियसली इसका प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको एक वेबसाइट पे यूज़ करना है $50, 3 वेबसाइट पे $100 और 1000 वेबसाइट्स पे यूज़ करना है तो $200, बट इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। और हम इस वीडियो में इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सिर्फ फ्री वर्जन को यूज़ करेंगे, बट ऑब्वियसली अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज़ करेंगे, स्पेशली WooCommerce वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, आपको ये WooCommerce मिलता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है WooCommerce बिल्डर। इससे आप बहुत ही यूनिक और बहुत ही डायनेमिक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पॉपअप बिल्डर मिलता है, थीम बिल्डर मिलता है, 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा प्रीमियम टेम्पलेट्स मिलते हैं, मतलब इस तरीके से समझ जाइए, प्री मेड, पहले से बने बनाए प्रीमियम प्रोफेशनल वेबसाइट्स आपको मिलते हैं।
और ऑब्वियसली उसके साथ साथ 50+ प्रीमियम विजिट्स भी मिलते हैं। सो अगर आप मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, अगर आप लोग थोड़ा बजट बढ़ा सके इसे ज़रूर परचेस करें, आपका वेबसाइट का क्रिएट करने का एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। बट अगर आप चाहें तो 100% इसे फ्री वेबसाइट फ्री पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको ये पूछेगा क्या आपके पास वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल है या नहीं है। सो हमारे पास इंस्टॉल है, सो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यस आई श्योर डू। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये आपको आपके वेबसाइट का एड्रेस डालने बोलेगा, सो आप अपने वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दें, यूआरएल जो भी आप है अपना यूआरएल बार में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद चेक फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। अभी आपको ये रीडायरेक्ट करेगा, क्लिक टू इंस्टॉल करने के बाद आपको ये यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, ये रहा एलिमेंटो पेज बिल्डर, बॉटम राइट में आपको ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे इंस्टॉल हो जाए उसके बाद एक्टिवेट प्लगइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे एक्टिवेट करेंगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसे कट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं। अभी हमें कुछ और भी प्लगइन्स की ज़रूरत है, सो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, फिर से अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। अभी आप यहाँ पर सर्च करें, सर्च प्लगइन में आप सर्च करें ओशन WP, फिर से आपको ओशन WP सर्च करना है। ओशन WP थीम का नाम है और वही थीम वालों ने कुछ फ्री प्लगइन्स बहुत ही यूज़फुल प्लगइन्स भी बनाए हैं, सो हम उनको भी यूज़ करना चाहते हैं। अभी इसमें सबसे पहले आप ये वाला इंस्टॉल कर ले, ओशन एक्स्ट्रा। उसके इससे क्या होगा, ओशन एक्स्ट्रा से क्या होगा, अभी अगर आप अभी अपने पेज पे क्लिक करें, अगर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें, आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है पेज से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ये पेज एकदम ब्लैंक है, बस आप टाइटल डाल के एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, नीचे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। बट इसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसे अभी एक्टिवेट कर दूँ ओशन एक्स्ट्रा को और यहाँ आके अगर इसे रिफ्रेश करूँ, अभी आप देखेंगे इसके नीचे कितने सारे ऑप्शंस मिल गए। इससे क्या होगा, हर पेज के लिए आप हेडर डिफरेंट रख सकते हैं, डिफरेंट मेन्यू रख सकते हैं, हेडर को डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, हर पेज पे डिफरेंट टाइप का डिफरेंट स्टाइल ऑफ टाइटल ब्रेड क्रम्प, और हर पेज के लिए डिफरेंट फुटर कर सकते हैं, और उसके बाद हर पेज का कॉन्टेंट लेआउट मार्जिन साइड बार सब कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, फ्री प्लगइन है, सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद फिर से आपको कुछ सेटअप के ऑप्शन मिले, उसको स्किप कर दें। इसे अभी एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं बस आपको दिखाना चाहता था। अभी एक काम करें, फिर से प्लगइन्स पे हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक करें, फिर से ओशन WP सर्च करें। अभी हम किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, सबको एक साथ एक्टिवेट करेंगे। अभी यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर लें, ओशन सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग से क्या होगा, अगर आप कोई भी एक पोस्ट ओपन करें, जैसा कि ये वाला ब्लॉग या फिर पोस्ट ओपन करेंगे, आप देखेंगे हर पोस्ट के नीचे, ब्लॉग के नीचे आपको ये शेयर का ऑप्शन मिलेगा। इस पोस्ट को आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, तो ये इस प्लगइन की वजह से हो रहा है, ओशन सोशल शेयरिंग। उसके बाद प्रोडक्ट शेयरिंग को भी इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट ओपन करें, चलिए देख लेते हैं, कोई प्रोडक्ट ओपन करें, जैसा कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट ओपन करते हैं, हर प्रोडक्ट के नीचे भी आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, शायद इस प्रोडक्ट ऑन ट्विटर फेसबुक पिंटरेस्ट। सो ये इस प्लगइन से होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये तीन प्लगइन की हमें ज़रूरत है। फिर से ऊपर जाइए, अभी आप सर्च कीजिए प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटो। आप एक काम करें, सिर्फ प्रीमियम टाइप करें, देखते हैं, या ये रहा प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटो, इसे इंस्टॉल कर लें। अगर आपको सिर्फ प्रीमियम टाइप करने पे नहीं मिला तो पूरा टाइप करें, प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटो बाय लीप 13, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप टाइप करेंगे एलिमेंटो किट, आपको ये मिलेगा, एलिमेंटो किट एलिमेंटा एड ऑन्स बाय WPMET, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर आप नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए आप टाइप करेंगे लाइव मैश। जैसे आप लाइव मैश टाइप करेंगे आपको ये मिलेगा, लाइव मैश एड ऑन्स फॉर एलिमेंटो बाय लाइव मैश, इसे भी इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप एक नया प्लगइन इंस्टॉल करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट टाइप करें, आपको ये प्लगइन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, इसे इंस्टॉल कर ली। ये सब जो प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं सब के सब बहुत ही लाइट वेट प्लगइन है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम ये वाला इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई दूसरा कॉन्टैक्ट प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। जो भी प्लगइन्स, तीन चार तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 प्लगइन्स टोटल है, बट सब के सब लाइव बहुत ही लाइट वेट प्लगइन्स है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी वेबसाइट पर कोई खास फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। अभी आप एक काम करें, सर्च कीजिए वेरिएशन स्वैचेस। अगर आप सिर्फ वेरिएशन पे टाइप करें आपको ये मिलेगा, वेरिएशन स्वैचेस फॉर WooCommerce बाय इमरान अहमद, इसे भी इंस्टॉल कर लें। और जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद अभी हम सब के सब प्लगइन्स को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से प्लगइन्स पे क्लिक करें। अभी एक एक करके एक्टिवेट करने से अच्छा आप सिंपली यहाँ पर टिक कर दें, ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। बल्क एक्शन पे जाके एक्टिवेट पे क्लिक करें और अप्लाई कर दें, ये एक साथ सबको एक्टिवेट कर देगा। और आई गेस आप देख सकते हैं सब के सब प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो गए, जो भी आपको नोटिसेस मिले सबको यहाँ से डिसमिस कर दें।
अभी हमें एक काम करना है, हमें WooCommerce जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लगइन है देखा जाए तो उसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें, यहाँ पर सर्च करें WooCommerce। ऑब्वियसली ये वाला आपको सेलेक्ट करना है WooCommerce बाय ऑटोमेटिक, इसे इंस्टॉल कर लें। 50 लाख से ज़्यादा, 5 मिलियन से ज़्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है। सो आप बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है, इसके बाद इसे एक्टिवेट कर लें। जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे आपको एक क्विक सेटअप, ये रहा आपका क्विक सेटअप, ये मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीज़ें करता है। पहले हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, मैं बताऊंगा उसके बाद ये क्या करता है आपके लिए। आपका स्टोर का लोकेशन यहाँ पर टाइप कर दे, बेसिकली आप अपना कंट्री नेम टाइप कर दे, उसके बाद अपना एड्रेस जहाँ पर आपका बिजनेस या फिर आपकी ऑफिस या फिर आपका स्टोर लोकेटेड है, और किस करेंसी को आप यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज हम इंडिया से हैं, INR इंडियन रुपी यूज़ करेंगे। उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक कर दें। अगर आप इसे चाहें तो टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी पेमेंट के लिए PayPal को रहने दें, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आगे चल के हम स्ट्राइप पेमेंट भी यूज़ करेंगे, जिससे आप खुद के वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा, अभी आप PayPal को रहने दें, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। ऑब्वियसली सिर्फ ये दो पेमेंट गेटवेज नहीं, ये बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर किया है। जैसे कि अगर आप पेटीएम पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहें, भीम API UPI पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहें, रिजर्व पे, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवेज है, PayU Money है, इन सब के सब प्लगइन्स के ऊपर, पेमेंट गेटवेज के ऊपर मेरे यूट्यूब ट्यूटोरियल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है। अभी शिपिंग के लिए एक काम करें, शिपिंग को ऑफ कर दें। शिपिंग अभी एक काम करते हैं, शिपिंग में यहाँ टाइप कर देते हैं, जैसा कि अगर आप इंडिया में शिप कर रहे हैं, मतलब इंडिया में कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, उसका क्या प्राइस रखना चाहते हैं। नॉर्मली 60 रुपीज़ होता है, अगर आप किसी कुरियर वाले से बात करें वो आपको बताएगा 60 रुपीज़ नॉर्मल प्राइस है। इंडिया में कहीं दूसरी जगह 6200 के आसपास पड़ता है, और अगर कोई लोकेशन जो इंडिया के बाहर है उसके लिए मे बी 120 रुपये। ओके, प्रोडक्ट आप अभी आगे चल के हम शिपिंग टैक्स ये सब डिटेल में देखेंगे। ये तो सिर्फ एक अमाउंट डाल दिया आपने, ये तो कुछ भी नहीं, आगे चल के शिपिंग और ये सब को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी आप प्रोडक्ट के हिसाब से आप ग्राम किलोग्राम सेलेक्ट करें। नॉर्मली अगर आपके पास लाइट वेट प्रोडक्ट है, जैसा कि अगर आप टी शर्ट मोबाइल फ़ोन जैसे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, आपको ग्राम्स और सेंटीमीटर्स चूज़ करने चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी WooCommerce आपको कुछ एडिशनल प्लगइन्स भी रेकमेंड करेगा, इनकी हमको ज़रूरत नहीं, सो स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर दें। ये अभी आपको Jetpack रेकमेंड करेगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं, स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर दें। इसी के साथ आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, सिंपली विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें। अभी आप देखेंगे जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे, पहले तो ये Jetpack हमने स्किप किया था फिर भी इंस्टॉल हो गया, पहले इसे हटा देते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड से प्लगइन्स पे क्लिक करें, आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये रहा Jetpack बाय WordPress.com, इसे डीएक्टिवेट कर दें। उसके बाद इसे डिलीट कर दीजिए। अभी आपको ये जो भी ऑप्शंस मिले, फिर से इन सब नोटिसेस को आप सिंपली डिसमिस कर दीजिए, डैशबोर्ड पे आइए। अभी डैशबोर्ड पे ये दो काम के विजिट्स नहीं है, OceanWP और Elementor, उनको हटा दीजिए, और बाकी के ये दो बहुत ही यूज़फुल है, WooCommerce स्टेटस और WooCommerce रीसेंट रिव्यूज़। स्टेटस में आप देख सकते हैं कितने सेल्स आपके इस महीने हुए, कितने ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स पे क्लिक करके आप सीधे ऑर्डर्स पे जा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स आपके स्टॉक में कम है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से आप पेजेस पे क्लिक करें। अभी आप देखेंगे बिकॉज हमने ये क्विक सेटअप किया, उसके वजह से कुछ पेजेस आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए, जैसे कि शॉप पेज, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, ये सब ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट हो चुके हैं। अभी ये जो हमने अभी किया है वो क्विक सेटअप था, एकदम मतलब कुछ भी सेटिंग नहीं था, बेसिक सेटिंग्स थी। अभी चलिए हम ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड, WooCommerce से रिलेटेड डिटेल और एडवांस सेटअप देखते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको WooCommerce का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हावर करके सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। अभी जनरल सेटिंग में पहले तो हमने अपना एड्रेस ये सब पहले सेट कर लिया है। अभी सेलिंग लोकेशन, किस कंट्री में, किन सब कंट्रीज में आप सेल करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट है सेल टू ऑल कंट्रीज, इसे आपको हटाना चाहिए बिकॉज आप हर कंट्री में नॉर्मली सेल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए आप ये सेलेक्ट करें सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और यहाँ पर वो सब कंट्री के नाम टाइप करें जिसमें आप सेल करना चाहते हैं। नॉर्मली मैं रेकमेंड करूँगा आपको सिर्फ एक कंट्री में सेल करना चाहिए, अगर आप इंडिया से है सिर्फ इंडिया में सेल करें, पाकिस्तान से है सिर्फ पाकिस्तान में सेल करें, श्रीलंका से है तो श्रीलंका में, या फिर किसी और कंट्री से है वहाँ से सिर्फ उसी कंट्री में सेल करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर आप दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, कस्टम्स का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आपका शिपिंग का भी प्रॉब्लम होता है, शिपिंग रेट आप बराबर से नहीं डाल पाते बिकॉज बहुत डिफर करता है। सो मैं रेकमेंड करूँगा एक ही कंट्री में सेल करें, बट ऑब्वियसली आप जितने चाहे उतने कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। अभी शिपिंग लोकेशन में रहने दे, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू,
अगर आप टैक्सेस को भी इनेबल करना चाहते हैं, मतलब टैक्स भी डालना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, आप इसे इनेबल कर दें, इनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशन। उसके बाद अगर आप यहाँ से करेंसी चेंज करना चाहें, चेंज करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ये आपका जनरल सेटिंग्स था। उसके बाद आपके प्रोडक्ट सेटिंग्स है, उस पर क्लिक करें। मेक श्योर कि आपके शॉप पेज में शॉप पेज सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अगर आप इन्वेंट्री पे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्टॉक मैनेजमेंट को इनेबल कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट का स्टॉक 2 से नीचे आएगा, मतलब 100 प्रोडक्ट थे आपके स्टॉक में और वो बिकते 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 सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे हैं स्टॉक में, सो जैसे ये होगा उसके बाद आपको ये ईमेल एड्रेस पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ये प्रोडक्ट लो स्टॉक है, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बचे हैं स्टॉक में। और जैसे ही वो प्रोडक्ट का स्टॉक 0 हो जाएगा, आपको इसी ईमेल एड्रेस पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, जल्दी इसे रिस्टॉक कर दीजिए। सो ये होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद आप टैक्स पे क्लिक कर दें। अभी टैक्स क्रिएट करने के लिए पहले तो आप चाहे तो एक टैक्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टैक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी आपको टैक्सेस क्रिएट करने हैं आप एडिशनल टैक्स क्लासेस में क्रिएट करेंगे। इसे इस तरीके से बड़ा कर दें, इसके अंदर क्लिक करें, उसके बाद एंटर करें, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। जो भी आपके टैक्स का नाम है, जो भी कंट्री में आप रहते हैं उसका, जो वहाँ पर जो भी टैक्स का नाम है, वैट है, GST है, जो भी है, वो टाइप कर ले। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, ओके बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा GST 10, ओके। और उसके बाद नीचे लाइन में आऊँगा, टाइप करूँगा GST 12 और मे बी GST 15। मे बी 2 टैक्स रेट यहाँ पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई कोई प्रोडक्ट्स का टैक्स रेट 10% है, किसी किसी प्रोडक्ट का टैक्स रेट 15% है, उसके लिए मैंने 2 टैक्स रेट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद नीचे जाके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जैसे आप वो करेंगे, आप अभी ऊपर देख सकते हैं GST 10 और GST 15, 2 ऑप्शंस आ गए। पहले तो GST 10 पे जाते हैं। जो भी आपका कंट्री नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। पहले इंसर्ट रो पे क्लिक करें। आपका कंट्री कोड अगर आपको नहीं पता है, सिंपली अपने कंट्री का नाम टाइप करें। जैसा कि अगर आपका कंट्री इंडिया है, सिंपली इंडिया टाइप करें, आपको नीचे ये रहा इंडिया, उस पर क्लिक करें, ये आपका कंट्री कोड अपने आप डाल देगा। इंडिया का कंट्री कोड IN है। उसके बाद आप स्टेट कोड, पोस्टल कोड, सिटी, ये सबको छोड़ दें, सीधा रेट पर आइए। बिकॉज ये GST 10 है, यहाँ पर 10% इसका रेट रहेगा। टैक्स नेम में हम टाइप कर देंगे GST 10 और इसको शिपिंग को अनटिक कर दे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद GST 15 पे जाइए, इंसर्ट रो, सेम चीज़, कंट्री कोड डालिए, उसके बाद सबको छोड़ के रेट पे आइए, 15% टाइप कीजिए GST नेम में, टैक्स नेम में GST 15, शिपिंग को अनटिक करके इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। और इसी के साथ हमारा टैक्सेशन होता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना आसान प्रोसेस था। उसके बाद शिपिंग पे आइए। अभी शिपिंग में आपका ये जोन पहले से क्रिएटेड है बिकॉज आपने वहाँ जनरल में इसे सेलेक्ट किया है इंडिया में। उसके बाद एडिट पे क्लिक कर दें। अभी अगर आप चाहें तो स्टेट वाइज दूसरा शिपिंग कॉस्ट रख सकते हैं, और या तो चाहे तो पूरे कंट्री का एक ही शिपिंग कॉस्ट रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप शिपिंग जोन पर आए, मैं इंडिया को डिलीट कर देता हूँ। अगर आप चाहे हर स्टेट का एक अलग शिपिंग कॉस्ट रहे, उसके लिए आप ऐड शिपिंग जोन पर जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में बेस्ड है, सो महाराष्ट्र में मेरे लिए शिप करना प्रोडक्ट इजी है और सस्ता है। जिस स्टेट में होते हो आप, उस स्टेट में अगर कस्टमर भी है, आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और उस स्टेट के बाहर अगर है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। सो मैं एक काम कर सकता हूँ, जोन नेम में महाराष्ट्र, जोन रीजन में महाराष्ट्र टाइप करूँगा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पे जाऊँगा, फ्लैट रेट सेलेक्ट करूँगा, ऐड शिपिंग मेथड पे फिर से क्लिक करूँगा। उसके बाद एडिट पे जाएंगे और टैक्स क्लासेस में टैक्सेबल रहने देंगे। यहाँ कॉस्ट में आप एक काम करेंगे, नॉर्मली आपने देखा होगा क्विक सेटअप में हमने 60 रुपीज़ डाल दिया था, 60 रुपीज़ मत डालिए। 60 रुपीज़ डालेंगे तो क्या होगा, अगर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट आपके वेबसाइट से परचेस करेगा उसे 60 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट मिलेगा, बट अगर सेम कस्टमर ने 100 प्रोडक्ट भी आपके वेबसाइट से परचेस किया फिर भी कॉस्ट 60 रुपीज़ रहेगा, बिकॉज ये एक स्टैटिक नंबर हो गया। हमें इसे एक फॉर्मूला में डालना होगा, 60.00 स्पेस एस्ट्रिक्स स्पेस, और ये ब्रैकेट में आप डाल दीजिए QTY, ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट में QTY। अगर आप क्वेश्चन मार्क पे हावर करेंगे यहाँ भी आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। सो इसी हिसाब से 60 into quantity, सो जितना भी क्वांटिटी, अगर 10 प्रोडक्ट्स उसने परचेस किया, 60 into 10, 600 उसको शिपिंग लगेगा इस हिसाब से, ओके। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, ये आपका हो गया। उसके बाद अभी आप एक काम कर सकते हैं, शिपिंग क्लासेस पे जा सकते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन भी सेल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन का शिपिंग कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ही छोटा होगा, 50-60 रुपये होंगे। बट अगर आप
एक रेफ्रिजरेटर को महाराष्ट्र से फॉर एग्जांपल गुजरात में शिप कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बल्कि बहुत ही भारी प्रोडक्ट है। सो उसके लिए अगर आप इस तरीके से अगर आप करना चाहे बल्कि प्रोडक्ट के लिए अलग शिपिंग क्लास बना सकते हैं। उसके लिए ऐड शिपिंग क्लास पे क्लिक करें और जो भी आप इसे नाम देना चाहें, मैं इसे सिंपली बल्कि नाम देता हूँ, सेव शिपिंग क्लास करेंगे। फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पर शिपिंग जोन्स में, महाराष्ट्र को एडिट करेंगे और यहाँ पर एडिट करेंगे फिर से। अभी मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला को अभी हमें कॉस्ट में नहीं डालना है, इसे यहाँ से कट कर ले। इस फॉर्मूला को आप यहाँ डाल दे नो शिपिंग क्लास और सेम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पर बल्कि में, बट बल्कि का रेट मैं रखूँगा 200 रुपये। मतलब जो बल्कि प्रोडक्ट है उसका शिपिंग कॉस्ट उस पर ऑटोमेटिकली 200 रुपये हो जाएगा और जो रेगुलर प्रोडक्ट है उस पर नो शिपिंग क्लास कॉस्ट लगेगा जो है 60 रुपीस। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, ये आपका हो गया महाराष्ट्र का। उसके बाद आप शिपिंग जोन पे आएंगे और ऐड न्यू शिपिंग जोन करेंगे। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र छोड़ के अभी जितने भी स्टेट्स है सबके लिए दूसरा शिपिंग रेट रखना चाहता हूँ मैं। सो यहाँ से आप एक काम करें, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल अगर आप दबाएंगे, एक एक पे क्लिक करेंगे वो सब सेलेक्ट होता रहेगा। मैं नीचे से शुरू करता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर तो अभी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र को छोड़ के सबके सब सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं सिर्फ महाराष्ट्र अनसेलेक्टेड है, बाकी सबके सब सेलेक्टेड है। इससे क्या होगा, पहले मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अभी महाराष्ट्र के लिए हमने 60 रुपीस डाला था और इसके लिए मैं कुछ दूसरा डाल सकता हूँ। फ्लैट रेट सेलेक्ट करें, ऐड शिपिंग मेथड, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पर मैं सेम फॉर्मूला पेस्ट करूँगा, बट यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए 60 की जगह 100 रुपीज़ और बल्कि प्रोडक्ट्स के लिए 200 की जगह 300। ओके, अभी आई होप अभी आप लोग को समझ में आया होगा। महाराष्ट्र से अभी कोई परचेस करेगा उसको 60 रुपीज़ लगेगा शिपिंग कॉस्ट, बट अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र ये सब स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में से किसी किधर से भी परचेस करेगा उसको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। सो ये शिपिंग आप देख सकते हैं काफ़ी एडवांस ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद पेमेंट्स पे जाइए। अभी पेमेंट पे पहले तो पेपैल पहले से सेलेक्टेड है आपके लिए, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करना चाहते हैं यहाँ से इनेबल कर दें। मैं रिकमेंड करूँगा मत करें पेपैल, या फिर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका शिपिंग प्रोवाइडर जो भी आपका कुरियर है वो अगर एक्सेप्ट करता है कैश ऑन डिलीवरी, आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद पेपैल चेकआउट को क्लिक करें और यहाँ पर अभी हमें पेपैल को सेटअप करना होगा। उसके लिए आपको पेपैल लाइव API यूज़र नेम पासवर्ड और सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। एक सिंपली आप एक नया टैब ओपन करें और paypal.com पे जाइए। जैसे आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेलर टूल्स, आप देख सकते हैं ये लिंक सेलर टूल्स, उस पर क्लिक कर दें। ओके, ये रहा ये पेज। यहाँ आपको क्या करना है, API एक्सेस का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करें और उसके साइड में आपको ये अपडेट का लिंक मिलेगा उसके बगल में, उस पर क्लिक कर दें अपडेट पे। अभी यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है NVP SOAP API इंटीग्रेशन मैनेज API क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर दें। फिर आपको एक नया टैब फिर से मिलेगा, यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम पासवर्ड सिग्नेचर तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। सिंपली API यूज़र नेम पे शो कर दें, इसे यहाँ से कॉपी कर लें, अपने वेबसाइट पे आइए, लाइव API यूज़र नेम में इसे पेस्ट कर दें। इसी तरीके से आप शो पे क्लिक करें, पासवर्ड कॉपी करें, शो पे क्लिक करें, सिग्नेचर कॉपी करें और यहाँ पर पासवर्ड और सिग्नेचर में इसे पेस्ट कर दें। इन चीज़ों को आपको दूसरों से हाइड करना चाहिए बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरों तक आपको, जहाँ तक आप देख सकते हैं, डेवलपर के लिए एक नोटिस है, डू नॉट शेयर योर क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन विथ एनीवन। सो मुझे इन चीज़ों को हाइड करनी होगी। और आई गेस आप देख सकते हैं मैंने सक्सेसफुली API यूज़र नेम पासवर्ड और सिग्नेचर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें और लैंडिंग पेज पे आप सेलेक्ट करें बिलिंग, लॉगिन रहता है, आप बिलिंग को सेलेक्ट कर लें लैंडिंग पेज पे। उसके बाद बॉटम में जाइए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, ये रहा आपका पेपैल। उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट, हम स्ट्राइप को यहाँ पर सेटअप करेंगे जिससे हम अपने वेबसाइट पे डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। उसके लिए आप एक काम करें, प्लगइन्स पे हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक करें। इसके लिए हमें एक नए प्लगइन की ज़रूरत है, यहाँ पर सर्च प्लगइन में टाइप करें स्ट्राइप। बहुत सारे इधर ऑप्शंस अवेलेबल है, दो प्लगइन्स तो मैंने यूज़ किया है, एक ये वाला आप चाहें तो WooCommerce स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, अगर आप चाहें इसे इंस्टॉल कर ले, या फिर आप चाहें तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, WooCommerce स्ट्राइप पेमेंट गेटवे बाय WebToffee। मैं ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये थोड़ा लाइट वेट है इसलिए। आप दोनों में से जिसे भी चाहें, अगर बाई चांस अगर फ्यूचर में ये प्लगइन बंद हो जाए आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हैं, WooCommerce स्ट्राइप पेमेंट गेटवे बाय WooCommerce। सेटिंग्स दोनों के सेम हैं, इसे एक्टिवेट कर दें। उसके बाद आप एक काम करेंगे, WooCommerce पे हावर करके सेटिंग पे जाएंगे और फिर से आप पेमेंट्स पे जाएंगे। आप पेमेंट्स पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइप पेमेंट,
यहाँ से इसे सेटअप पे, पहले तो इसे इनेबल कर दे, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। अभी सेटअप की जगह आपको मैनेज का बटन मिलेगा, वहाँ लोड होने दे, ये रहा मैनेज का बटन, उस पर क्लिक कर दे। यहाँ फिर से पहले तो इसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दे, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊँ चेकआउट पेज हमारे डेमो वेबसाइट में, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें रखना है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ओके। ये आपका टाइटल होता है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट। सो हमें, अगर आपने इसे चेंज नहीं किया, यहाँ पर लिख के आएगा स्ट्राइप, हम चाहते हैं यहाँ पर स्ट्राइप नहीं लिख के आए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट लिख के आए। और बटन पे क्या लिख के आना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के बटन पे लिखा हुआ है मेक पेमेंट। सो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मेक पेमेंट। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें, ट्रांजैक्शन मोड टेस्ट मोड है, इसे आप लाइव मोड कर दें। उसके बाद लाइव पब्लिशेबल की और लाइव सीक्रेट की आपको ज़रूरत होती है, उसके लिए नया टैब ओपन करें और ये वेबसाइट पे जाइए dashboard.stripe.com। यहाँ पर ऑब्वियसली पहले तो आपको पेपैल की तरह एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा अगर आपने नहीं किया है पहले से, और अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, लेफ्ट हैंड साइड से डेवलपर्स पे क्लिक करें, बहुत ही ईजी है इसका अकाउंट क्रिएट करना। और इसके लिए मैंने एक वीडियो नहीं बनाया, बट इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आपको। सबसे अच्छी बात यहाँ है, अगर आप अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं, आपका मेरे ख्याल से पैन कार्ड या GST नंबर, ये दोनों चीज़ें शायद लेता है, और आपको ये वेट नहीं करने देता, मतलब जैसे आप अकाउंट क्रिएट किए, सबमिट किए, उसी वक्त आपका अकाउंट चालू हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप API कीज पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आपको लाइव पब्लिशेबल की और सीक्रेट की मिलेगा, पब्लिशेबल की को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें, उसी तरीके से सीक्रेट की को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद आप एक काम करें, नीचे जाएं और इसे सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, फिर आपका ये स्ट्राइप पेमेंट गेटवे भी हो गया इनेबल। अभी अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाइए, इन तीनों चीज़ों को टिक मार्क कर दें। अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, ये तीनों चीज़ों को यहाँ से टिक मार्क करके बॉटम में जाइए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर आप ईमेल को छोड़ के, इंटीग्रेशन को छोड़ के एडवांस पे आइए। यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कार्ट पेज में कार्ट, चेकआउट में चेकआउट और माई अकाउंट में माई अकाउंट पेज यहाँ पर सेलेक्टेड होना चाहिए। बॉटम में जाइए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। और अगर सो इसी के साथ आपका WooCommerce का भी सेटिंग्स हो गए हैं कंप्लीट। अभी अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना शुरू करते हैं, जो बहुत ईजी है, तो चलिए देख लेते हैं वो कैसा करते हैं। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हवर करके ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। अभी मैं इस डेमो वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ जिससे हम देख सके प्रोडक्ट कैसा दिखता है, हम सेम डिटेल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ओके। सो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नेम टाइप करना है, और प्रोडक्ट का नेम आपका ये नेम होगा जो भी आपका प्रोडक्ट का टाइटल आप देना चाहें। सो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है, ये आपके प्रोडक्ट के लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए है। प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट के नीचे, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये है प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, OceanWP सेटिंग को छूने की ज़रूरत नहीं, इसे आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये मेन ऑप्शन है प्रोडक्ट डेटा। सबसे पहले हम सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, इसका क्या प्राइस रखना चाहते हैं, इसका प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 1150 रुपये, मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 1150। उसके बाद आपका टैक्सेबल है, अगर ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, टैक्सेबल सेलेक्ट करें, तो ये प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स है, 10 या 15, जितना भी परसेंट टैक्स है वो सेलेक्ट कर लें, इन्वेंट्री पे जाए। इसका कोई चाहे तो आप SKU दे सकते हैं, SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब अगर आपके पास वेयरहाउस है, अगर आपने हर प्रोडक्ट को कोई अलग यूनिक कोड दिया है जिससे आपको मदद मिले प्रोडक्ट को पहचानने में, जो लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर उनके पास होगा, उनको पता है ये SKU यूनिट क्या है। सो उस हिसाब से आप अपना यूनिट डाल सकते हैं, जो भी SKU है इधर, अगर आपको चाहिए आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप शिपिंग पे जाइए, प्रोडक्ट का क्या वेट है, मे बी 200 ग्राम का है, लेंथ विद हाइट क्या है, आप यहाँ पर डाल दें। शिपिंग क्लास ये बल्कि नहीं है, सो नो शिपिंग क्लास रहने दें, नो शिपिंग क्लास 60 रुपीज़ है, आपको याद होगा, और बल्कि का 200, सो नो शिपिंग क्लास। उसके बाद बॉटम में प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि ये है प्रोडक्ट के जो साइड में आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, ये है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फिर आप ऊपर जाएंगे, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट का कैटेगरी, कैटेगरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि अगर आपने डेमो वेबसाइट के होम पेज में देखा होगा, अगर आप एक कैटेगरी जैसा कि टी शर्ट कैटेगरी, वॉच कैटेगरी, बैग कैटेगरी ऐसा आप क्रिएट करते हैं, सो जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करेगा, वो सब के सब उसी प्रोडक्ट को देख सकेगा। सो इसको हम टी शर्ट्स का कैटेगरी दे देते हैं, और फ्यूचर में जितने भी टी शर्ट्स हम क्रिएट करेंगे सबके लिए यही कैटेगरी चूज़ करेंगे। उसके बाद इसको आप कुछ टैग दे सकते हैं, जैसा कि फैशन एक टैग हो सकता है, मेन एक टैग हो सकता है, ये सब टैग्स हो सकते हैं।
फिर ये प्रोडक्ट का इमेज और उसके नीचे ये गैलरी इमेजेस। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, फिर से बता देता हूँ, जो भी इमेजेस जो भी फाइल्स मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है, सब के सब इमेजेस और फाइल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, सिंपली उस लिंक पे क्लिक कर दे और आप एक ज़िप फाइल, इनफैक्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे blogdoot.com, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इनफैक्ट आप इस पोस्ट पे जाएंगे, अगर ये पोस्ट मैंने पहले ही, ये वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने पहले ही इंग्लिश में अपने मेन चैनल पे क्रिएट कर लिया है जो आप देख सकते हैं। सो आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड फ्री इमेजेस पे क्लिक करना है, एक नया जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उस जिप फाइल को आपको अनजिप करना है। ये रहा आपका जिप फाइल, इस तरीके से नज़र आएगा। जब आप इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये मीडिया का फोल्डर मिलेगा, इसमें सब के सब इमेजेस है, आपको CSS का ये फाइल मिलेगा और ये पेजेस का भी फोल्डर मिलेगा, ये 2-3-4 फोल्डर मिलेंगे। तो मीडिया में आप देख सकते हैं सब के सब जो भी इमेजेस है, सब हमने यहाँ पर डाला हुआ है। सो ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ से वो इमेजेस सेलेक्ट कर लें, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे मीडिया प्रोडक्ट के इमेजेस में, देख सकते हैं सब प्रोडक्ट के भी इमेजेस है, मैं ये 3 इमेजेस यहाँ पर डाल देता हूँ। हमारा मेन इमेज ये वाला इमेज है, ओके, मैंने लग रहा है सेम इमेज कई बार डाउनलोड कर लिया, ओके फाइन, हमारा ये मेन इमेज है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और गैलरी इमेज में कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस अगर आप डालना चाहें, ये 2 इमेजेस मैं डाल देता हूँ, ओके। उसके बाद आप सिंपली इसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। अगर आप इसे व्यू करें, आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। बाद में हम इसके स्टाइल को चेंज करेंगे, हम कुछ इसे कुछ इस तरीके से खूबसूरत बनाएंगे, बटन को, ये सब चीज़ों को हम ऐसा सेटअप करेंगे। अभी हमने ये सब कुछ नहीं किया, बट लेटर ऑन बाद में जाके हम इसे करेंगे। अभी जब भी आपको इस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट देना हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई फेस्टिवल है जैसे कि दिवाली में इंडिया में बड़े बड़े डिस्काउंट मिलते हैं, सो अगर आप उसको, आपको कुछ ऐसा करना हो, फिर से आप इस पेज पे आएंगे और सेल प्राइस पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1150 का प्रोडक्ट है, अगर आप इसे 900 में सेल करना चाहते हैं, सो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब ये डिस्काउंट सिर्फ आज से लेकर मे बी नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक है, उसके बाद अगर आप इसे अपडेट करें उतने डेट तक ये प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 900 हो गया और जैसे ही वो डेट ख़त्म होगा फिर से ये प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस 1150 हो जाएगा। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये था आपका सिंपल और सेल प्रोडक्ट। उसके बाद एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं, मैं आपको दिखा दूँ उसका एक एग्जाम्पल। और आई गेस सो ये रहा उसका एक एग्जाम्पल। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक प्रोडक्ट, एक टी शर्ट मान के चलिए, वो डिफरेंट कलर में, सेम टी शर्ट बट डिफरेंट कलर में और डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक लार्ज मीडियम या फिर ब्लू लार्ज मीडियम। सो इस तरीके से आप एक ही प्रोडक्ट अगर डिफरेंट शेप्स में, शेप्स नहीं, डिफरेंट साइजेस में और कलर्स में या फिर डिफरेंट पैटर्न में अवेलेबल है, सो आप इस तरीके से उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसे कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। उसके लिए आप एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, हम इसी में ही उसे ऐड कर देते हैं बिकॉज बाकी सब चीज़ें बहुत ही सेम है। इसी तरीके से आप फिर से इसका टाइटल, पहले तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से टाइटल सब टाइटल देंगे। डिफरेंस उसमें ये होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा में सिंपल की जगह आप ये सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। टैक्स क्लास ये सब चीज़ें आप करके इन्वेंट्री को यहाँ से मैनेज करके उसके बाद शिपिंग पे जाएंगे, सब चीज़ें ठीक है। उसके बाद आपको एट्रीब्यूट्स पे जाना है। एट्रीब्यूट्स पे जाने से पहले यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट है नहीं, सो पहले हमें एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना होगा। अभी पहले मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, साइज़ एक एट्रीब्यूट हो सकता है, कलर एक एट्रीब्यूट हो सकता है, फैब्रिक एक एट्रीब्यूट हो सकता है। और वो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंडर में सबसे नीचे एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, उसे नए टैब में ओपन कर दें और पहले तो हम साइज़ का एक ऑप्शन दे देते हैं। साइज़ यहाँ पर टाइप कर दें, नेम में इसे टिक मार्क कर दें, इनेबल आर्काइव टाइप में आप बटन सेलेक्ट करके ऐड एट्रीब्यूट पर क्लिक कर दें। उसके बाद एक नया एट्रीब्यूट दे देते हैं कलर का, कलर टाइप करें, इनेबल आर्काइव करें और टाइप में कलर सेलेक्ट करके ऐड एट्रीब्यूट कर दें। 2 एट्रीब्यूट आपके ऐड हो गए। पहले हम साइज़ को एडिट करते हैं, तो साइज़ सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर टर्म्स जो उसके साइड में आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका नाम दे दें। साइज़ क्या हो सकता है, एक साइज़ समझ जाइए स्मॉल है, सो हम स्मॉल लिख देंगे। ऐड न्यू साइज़ पे क्लिक करेंगे। एक अगर मीडियम है, मीडियम टाइप करेंगे और ऐड न्यू साइज़ पे क्लिक करेंगे। सिंपली लार्ज है तो हम लार्ज टाइप कर देंगे यहाँ पर और नीचे ऐड न्यू साइज़ पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें, कलर को अभी एडिट करते हैं, एडिट नहीं करना है, कलर को कॉन्फ़िगर टर्म्स करना है। ये रहा कॉन्फ़िगर टर्म्स, उस पर क्लिक करें और जो भी कलर जितने भी आप चाहें, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर, फिर इसके बाद कलर पे क्लिक करके ब्लैक सेलेक्ट कर लें, ऐड न्यू कलर पे क्लिक करें। अगर येलो कलर है सो येलो टाइप करें, कलर पे जाइए, येलो कलर यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड न्यू कलर पे क्लिक करें। अगर ब्लू कलर है
जितने भी चाहे आप कलर साइजेस ये सब चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड न्यू कलर पे क्लिक कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस हो गए सेट। फिर से आप इस पेज पे आइए, प्रोडक्ट वाले पेज पे इसे रिफ्रेश कीजिए। अभी आपको एट्रीब्यूट्स में ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर और साइज़। पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक कर दें और मेक श्योर हमेशा ये चीज़ टिक मार्क होनी चाहिए, यूज्ड फॉर वेरिएशन। ओके, अभी ये प्रोडक्ट किस किस कलर में अवेलेबल है, मे बी ये प्रोडक्ट ब्लैक और ब्लू में अवेलेबल है। ओके, सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ से एट्रीब्यूट साइज सेलेक्ट कर लें, ऐड पे क्लिक करें और मेक श्योर अगेन यूज्ड फॉर वेरिएशन सेलेक्टेड है। ये मे बी स्मॉल और मीडियम में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दें। जैसे आप एट्रीब्यूट्स क्लिक कर दें या फिर क्रिएट कर दें, उसके बाद आपको वेरिएशंस क्रिएट करने होते हैं। उसके लिए आप वेरिएशंस पे क्लिक कर दें और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। उसके बाद गो पे क्लिक कर दें, ओके कर दें। चार वेरिएशन आपके लिए ऐड हो गए, ओके कर दें। अब यहाँ सबसे पहले हमारा ब्लैक मीडियम, सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या इमेज रखना है आपको, मे बी हम ये वाला इमेज या फिर एक दो नए इमेज मैं ऐड कर लेता हूँ। ब्लैक के लिए ये वाला इमेज और हमने एक ब्लू सेलेक्ट किया है, सो ब्लू के लिए कोई ब्लू तो है नहीं, सो हम एक काम करते हैं ये रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दो इमेजेस मैं अपलोड कर देता हूँ। ब्लैक के लिए मैं ये इमेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ओके। और इसका क्या प्राइस रखना चाहते हैं, मे बी इसका प्राइस 900 रुपीज़ है, ओके। और मे बी 900 नहीं, इसका प्राइस 1500 रुपीज़ है। उसके बाद ब्लैक स्मॉल, सो इसके लिए भी ऑब्वियसली ब्लैक कलर टी शर्ट है, सेम इमेज रहेगा। इसका हम 1200 रख देते हैं प्राइस। उसके बाद ब्लू मीडियम, ब्लू के लिए मे बी मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू लग रहा है ये। इसका प्राइस मैं रख देता हूँ 1250 मीडियम का, और स्मॉल का सेम इमेज ब्लू वाला, और इसका प्राइस हम रख देते हैं 1100 रुपीज़। इतना करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, फिर राइट हैंड साइड से इसे अपडेट कर दें। फिर से अगर आप इस प्रोडक्ट को नए टैब में ओपन करें, देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे आपको ये ऑप्शन मिल गए, कलर मीडियम, आपको ये ऑप्शन मिल गया। अभी इसका प्राइस मीडियम कलर, ब्लैक कलर का मीडियम कलर 1500 है। अगर आप ब्लू कलर पे क्लिक करें, इमेज अपने आप चेंज हो जाएगा और प्राइस भी 1250 अपने आप चेंज हो गया। ब्लू स्मॉल पे जाए 1100, ब्लैक स्मॉल 1200। सो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये प्रोडक्ट आपका हो गया क्रिएट। अभी अगर आप चाहें तो इसमें और भी टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसा कि डिजिटल प्रोडक्ट। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, कोई MP3 फाइल हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सब प्रोडक्ट, ओके, जो कस्टमर परचेस करेगा बट उससे आप शिपिंग नहीं करेंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे नहीं, वो उसे डाउनलोड कर सकता है। सो मे बी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, ठीक ठाक बुक है, आप पढ़ सकते हैं उससे। तो मे बी मैं इसका PDF फाइल सेल कर रहा हूँ, सो मैं ये टाइटल दे दूंगा, रिच डैड पुअर डैड PDF। ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अभी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट डेटा में सिंपल रहने दे, वर्चुअल पे टिक मार्क कर दे और डाउनलोडेबल पे टिक मार्क कर दे। इसका प्राइस में भी सिर्फ 100 रुपीज़ रख देते बिकॉज ये सिर्फ PDF फाइल है। और जब भी कोई ये फाइल को ओपन करे तो कौन सा फाइल डाउनलोड होना चाहिए, टाइटल मैं इधर रख देता हूँ, फाइल का टाइटल ये रहेगा और वो फाइल को आप यहाँ से अपलोड कर दे, जो भी वो PDF फाइल है, जहाँ भी है उस फाइल को आप यहाँ से अपलोड कर दे, ताकि जब कोई डाउनलोड पे क्लिक करे तो ये फाइल डाउनलोड हो। उसके लिए कोई PDF फाइल तो हमारे पास नहीं है, मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद इंसर्ट फाइल URL पे क्लिक कर दें, ऑलराइट। ये सब को छोड़ दे, डाउनलोड लिमिट, डाउनलोड एक्सपायरी, कितना लिमिट, ये सब लिमिट और एक्सपायरी आपको नहीं रखना चाहिए, बेटर ऑप्शन है। उसके बाद राइट हैंड साइड से आप इधर नया कैटेगरी ऐड कर देते PDFs का, ओके। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें और इसका कोई प्रोडक्ट इमेज अगर आप देना चाहें, ये बुक है, सो ये बुक का इमेज ये रहा, ये इमेज मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दें, उसके बाद आप सिंपली इसे पब्लिश कर दें। और एक चीज़ हम मिस कर गए, यहाँ पर अगर आप देखें प्रोडक्ट डेटा में, अगर आप इन्वेंट्री पे जाए, यहाँ पर इसे टिक मार्क कर दें, सोल्ड इंडिविजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इसे टिक मार्क कर दें, सोल्ड इंडिविजुअली। उसके बाद अपडेट करें, मतलब ये प्रोडक्ट कोई एक से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस नहीं कर सकता। अभी आप देखेंगे क्वांटिटी का जो ऑप्शन आता है प्रोडक्ट के साइड में, वो गायब हो गया। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक बार ये PDF डाउनलोड करे, 50 बार डाउनलोड करे, बात वही है, एक PDF को आप 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए हम जब चाहते हैं कि कस्टमर एक ही प्रोडक्ट एक बार में परचेस करे।
सो इस तरीके से ये सब प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं। और राइट गाइस, सो जो बेसिक चीज़ें थी सब के सब कंप्लीट हो गई हैं। WooCommerce से सेटिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे, जो भी थी, सब के हमने सब सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना। आपने देखा है प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, टैग्स, शिपिंग, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अभी सिर्फ वेबसाइट को हमें डिज़ाइन करना है। जैसे कि हमारा ये वेबसाइट डिज़ाइंड है, होम पेज, डिफरेंट पेजेस से अभी वो करना है, तो चलिए उसे शुरू करते हैं करना। और आई गेस तो होम पेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें होम पेज क्रिएट करना होगा। और उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ हमें ये एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले एक पेज हमें क्रिएट करना होता है और इस पेज को आपको कोई भी टाइटल देना है। बिकॉज हम होम पेज क्रिएट कर रहे हैं, हम इसे होम का टाइटल दे देते हैं। अभी इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, बट उससे पहले मैं सिंपली इसे पब्लिश कर देता हूँ और इसे हम नए पेज में, नए टैब में ओपन करके देखते हैं। उसके बाद मैं चेंजेस करके आपको बताऊंगा हमने क्यों किया, क्या किया। अभी आप देखेंगे हमारा होम पेज जो हमने जस्ट क्रिएट किया है कुछ ऐसा लग रहा है, बट हमारे डेमो वेबसाइट में कुछ ऐसा पेज है। अभी यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना है। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो आपका साइड बार है, हमें ऐसा कोई साइड बार नहीं चाहिए। बिकॉज होम पेज में आप देखेंगे ऐसा कोई भी साइड बार नहीं है, सो हमें पहले तो ये साइड बार हटाना है। उसके लिए आप फिर से इस पेज पर आ जाइए। यहाँ पर आपको कॉन्टेंट लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें 100% फुल विथ को सेलेक्ट करके इस पेज को फिर से अपडेट कर दीजिए। जैसे आप इसे अपडेट करें, यहाँ के फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे वो साइड बार चला गया। इसी के साथ साथ हमें ये टाइटल की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप देख सकते हैं डेमो वेबसाइट में ऐसा कोई भी टाइटल बार हमारे पास नहीं है। सो ये टाइटल हटाने के लिए आप नीचे टाइटल पर क्लिक करें और इसे यहाँ से डिसेबल करके फिर से अपडेट कर दें। यहाँ के अगर आप फिर से रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे वो टाइटल बार भी चला गया। अभी आप देखेंगे एक चीज़ और भी बाकी है। अगर आपने URL बार में नोटिस किया, सो यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है योर वेबसाइट नेम स्लैश होम। जबकि आप डेमो वेबसाइट में देखें या फिर किसी भी वेबसाइट में जाए, जब आप होम पेज पे जाते हैं तो स्लैश होम करके नहीं आता है। अगर आप गूगल पे जाएँ तो गूगल स्लैश होम नहीं होता है, बस google.com होता है। इसका मतलब यह है कि ये पेज जो हमने जस्ट क्रिएट किया है, ये एक रेगुलर पेज है, ये होम पेज नहीं है। इसको बस हमने होम का नाम दे दिया है। सो इस पेज को हमें होम पेज में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हावर करके रीडिंग पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं योर होम पेज डिस्प्लेस लेटेस्ट पोस्ट, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टैटिक पेज। और होम पेज में वो पेज जो अभी आपने जस्ट क्रिएट किया है होम वाला, वो सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। फिर से अगर आप यहाँ आके इसे रिफ्रेश करें, आप देखेंगे URL बार से स्लैश होम चला गया और आप अभी भी सेम पेज पे है। मतलब अभी ये पेज आपका होम पेज हो चुका है, ऑफिशियल होम पेज। अभी हम इस पेज को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। उसके लिए फिर से अपने डैशबोर्ड पे आइए, पेजेस पे क्लिक कीजिए। अभी आप देखिए आपके होम पेज के बगल में, आपके होम पेज के साइड में ये लिखा हुआ है फ्रंट पेज। मतलब ये पेज आपका ऑफिशियली फ्रंट पेज हो चुका है। इसे अभी एडिट कर दीजिए। अभी इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम एलिमेंटो को यूज़ करेंगे। उसके लिए आप इस बटन पर क्लिक करें, एडिट विथ एलिमेंटो। अब इससे पहले कि मैं ये डिज़ाइन करना शुरू करूँ, मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि एलिमेंटर क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। सो एलिमेंटर क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके हमको ये कम्प्लीट पेज, ये कम्प्लीट वेबसाइट क्रिएट करना है और डिज़ाइन करना है। इनको आप कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो एक नया सेक्शन ऐड करने के लिए आप प्लस बटन पर दबाएंगे। उस सेक्शन में आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 2 कॉलम्स सेलेक्ट कर लिया। अभी इसके अंदर जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें वीडियो ऐड करना है, आप वीडियो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपके एलिमेंट्स चले गए और अभी आपको वीडियो से रिलेटेड सब के सब सेटिंग्स मिल रहे हैं। अभी जो भी ये सेटिंग्स आपको करने हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर से एलिमेंट्स पर जाना है, सो ये 9 डॉट्स वाला आइकन है, इस पर क्लिक कर दें। अगर आप मेरे माउस कर्सर को फॉलो करें, इस आइकन पर क्लिक कर दें। अभी आपको जो भी दूसरा एलिमेंट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बटन यूज़ करना है, आप बटन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपका ये बटन यहाँ पर आ गया। जब भी कोई एलिमेंट पे आप क्लिक करते हैं, जैसा कि अगर आपने बटन पे क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड में उस एलिमेंट से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगे। और हर एलिमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टेंट, स्टाइल और एडवांस। कॉन्टेंट में आप देख सकते हैं आप इसके कॉन्टेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके टेक्स्ट को, इसके टाइटल को, इसके साइज को, ये सब चीज़ें। स्टाइल में आप इसके कलर को, इसके स्टाइलिंग को, इसके फॉन्ट स्टाइल को, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और एडवांस में आप मार्जिन, पैडिंग, जी इंडेक्स, बैकग्राउंड, पोजीशनिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये काम करता है। अभी मैं इसे कट कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमें ये पेज सेक्शन बाय सेक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले आपका ये है हीरो सेक्शन। नया सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमेशा आप ये प्लस बटन दबाएंगे, ये वाला।
इसे क्लिक कर दें और कितने कॉलम्स आपको यहाँ पर चाहिए। अगर आप डेमो वेबसाइट में देखें, हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम्स है, लेफ्ट कॉलम में हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड कॉलम में ये इमेज है। सो हम टू कॉलम्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी लेफ्ट कॉलम में सबसे पहले ये टाइटल है, मैं इस टाइटल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। टाइटल को ऐड करने के लिए हम ये हेडिंग को यूज़ करेंगे, सिंपली माउस से इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और ये टाइटल की जगह जो भी आपको टाइटल चाहिए वो यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दें। और उसके बाद आपको इसे अलाइनमेंट, अगर इसे सेंटर में लेके जाना है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी चलिए इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। इसे स्टाइल करने के लिए हम स्टाइल पर जाएंगे। पहले इसका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर वाइट है, बट हम इसका टेक्स्ट कलर बाद में चेंज करेंगे, बिकॉज अगर अभी हमने इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया, आप देखेंगे ये गायब हो गया, बिकॉज बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है। सो हम इसके टेक्स्ट के कलर को बाद में चेंज करेंगे। पहले इसे टाइपोग्राफी को चेंज कर देते हैं, मतलब इसके फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट के डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं। उसके लिए आप पेंसिल बटन पर दबाएं, बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें 3-4 फॉन्ट फैमिलीज यूज़ करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए पहले आप रोबोटो सेलेक्ट कर ले, ROBOTO रोबोटो सेलेक्ट करें, और हमें इसे काफ़ी बड़ा बनाना है। सो इसके साइज़ को मैं 110 कर देता हूँ। और अगर आपको इसे मोटा करना है, पतला करना है, वो भी आप वेट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसको पतला करना है 100 सेलेक्ट कर ले। अभी आप देखेंगे कितना थिन, कितना पतला हो गया। अगर आपको इसको मोटा करना है 700 या 900 सेलेक्ट कर लें। अभी आप एक देखेंगे, हमें एक चीज़ करना है यहाँ पर, जो मैं आपको पहले समझा दूँ। अगर मैं इसे हाइड करूँ, हमारा ये टेक्स्ट दो लाइन में आ रहा है, बट मेरा यहाँ पर जो डेमो वेबसाइट में ये टेक्स्ट है, ये सिंगल लाइन में आ रहा है। अभी आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसे सिंगल लाइन में करना है, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपका ये फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका सेकंड कॉलम शुरू होता है। सो हम एक काम करेंगे, हम एडवांस पे जाएंगे और अभी आपको दिखाता हूँ मार्जिन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन में पहले तो मैं इसे क्लिक करूँगा इस बटन पे, ये डी लिंक हो जाएगा। अगर आपने इसे डी लिंक नहीं किया, कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल टॉप पर अगर आपने 50 टाइप किया, आप देखेंगे हर जगह से 50 टाइप हो गया, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, सब जगह से। सो पहले इसे ज़ीरो करें, डी लिंक करें, ताकि आप हर जगह डिफरेंट नंबर टाइप कर सके। मुझे राइट साइड में पैडिंग हटाना है, मार्जिन हटाना है, मार्जिन डालना नहीं है, मार्जिन हटाना है। मैं आपको समझाता हूँ। राइट में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए 150, 150, 150। बट यहाँ पर क्या हुआ है, राइट साइड में हमने पैडिंग ऐड कर दिया है, बट मुझे पैडिंग हटाना है। सो 150 के पहले आप सिंपली माइनस टाइप कर दीजिए। अभी आप देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, ये इस कॉलम को कंप्लीट करके नेक्स्ट कॉलम में घुस गया है, बिकॉज हमने इसके मार्जिन को डिक्रीज कर दिया है। ओके, इस तरीके से। सो अगर आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए किया बिकॉज मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, जहाँ पर इस इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट रहे। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए ऐसा, आप ये मार्जिन का मसला छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको करना है ऐसा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम हेडिंग ऐड करेंगे, हेडिंग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस बार ये टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे, न्यू मेंस कलेक्शन। ऑब्वियसली इसकी जगह कोई और भी टेक्स्ट अगर आप चाहें तो वो भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ इतना। अभी हमको इसे क्या करना है, सबसे पहले तो इसे हमें स्टाइल चेंज करना है। इसके भी कलर को हम बाद में चेंज करेंगे, इसके स्टाइल को पहले चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, आप देख सकते हैं। इसके लिए हम ये वाला फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे, कैवीएट का, CAVEAT। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अभी इसके स्टाइल को, इसके साइज़ को मैं 65 कर देता हूँ, इसे थोड़ा बोल्ड 900 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी आप इसे अपडेट कर दें। जब भी आप कोई चेंजेस करें अपने वेबसाइट पे, हमेशा ये ग्रीन अपडेट बटन पे दबा दें। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड में जो ये इमेज है, आप देख सकते हैं ये इमेज बैकग्राउंड में, इसे ऐड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास इसके कलर को वाइट कर सके, ये सब चीज़ें कर सके। अगर अभी हमने बैकग्राउंड में इमेज ऐड नहीं किया, अगर अभी हमने इसके टेक्स्ट को वाइट किया, ये गायब हो जाएगा। सो बैकग्राउंड के इमेज को चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करें, एडिट सेक्शन। आप देखेंगे टॉप पे ब्लू कलर का जो है, बीच में अगर आप इस पर क्लिक करें एडिट सेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिट सेक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी आप स्टाइल पर जाइए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का टाइप आप सेलेक्ट कीजिए क्लासिक और इसमें इमेज ऐड कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे सब के सब इमेजेस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसी फाइल में आपको ये सब इमेजेस भी मिल जाएंगे। सो इसके लिए हमें ये इमेज चाहिए, इसे सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दें। अभी आपको इसे इंसर्ट मीडिया करना है और सिर्फ एक चेंज यहाँ पर करना है, साइज़ को इधर कवर कर दीजिए। ओके, आपका इमेज का स्टाइल चेंज हो जाएगा। कवर से क्या होता है, ये कोशिश करता है पूरा विथ, पूरा कंप्लीट इमेज डिस्प्ले करने के लिए। अभी आप इन टेक्स्ट के कलर को फिर से वाइट कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करें, स्टाइल पे जाइए, इसके कलर को वाइट कर दीजिए। सेकेंड वाले टेक्स्ट पे क्लिक करें, स्टाइल पे जाइए, इसके कलर को भी वाइट कर दीजिए, फिर इसे अपडेट कर दें।
अभी इसके बाद हमें ये बटन को यहाँ पर ऐड करना है। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप ये बटन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट हमें दो बटन को एक लाइन में, आप देख सकते हैं दोनों बटन आसपास हैं, एक दूसरे के साइड में है। अगर आपको इसे ऐसा करना है तो आपको एक चेंजेस करना होगा, बिकॉज अगर आपने अभी ये बटन ड्रॉप किया उसके बाद सेकेंड बटन को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आप देख सकते हैं आप उसे साइड में नहीं कर पाएंगे, आपको उसे ऊपर या नीचे करना होगा इस तरीके से। सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप दोनों बटन को एक साइड में कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप ये यूज़ करें इनर सेक्शन, इनर सेक्शन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब इससे आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये कॉलम के फर्स्ट कॉलम के अंदर में इसने और भी कॉलम्स ऐड कर दिए। सो जब एक कॉलम के अंदर में और भी ज़्यादा कॉलम्स आपको ऐड करने होते हैं, आप इनर कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अभी बहुत ही ईजिली हम ये बटन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और दूसरे बटन को बाद में यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। चलिए अभी इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल है शॉप नाउ, सो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे शॉप नाउ, जो भी ऑब्वियसली इसकी जगह कुछ और टाइप करना है वो भी कर सकते हैं। लिंक में मैं शॉप पेज को इसे रीडायरेक्ट करूँगा, मतलब जब भी इस बटन पर कोई क्लिक करे वो शॉप पेज पर चला जाए। सो लिंक में आप सिंपली शॉप टाइप करें, आपको नीचे ऑप्शन आएगा शॉप पेज का, उस पर क्लिक कर दें, ये आपका शॉप पेज का लिंक डिस्प्ले करेगा। उसके बाद स्टाइल में जाके इसके स्टाइलिंग को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके टाइपोग्राफी को चेंज करना है, उसके लिए आप इस पेंसिल बटन पे क्लिक करें और इस टाइम इसके फॉन्ट फैमिली के लिए हम पॉपिंस को यूज़ करेंगे। पॉपिंस आप टाइप करें, आपको ये फॉन्ट फैमिली मिल जाएगा। अभी इसके साइज़ को मैं 17 पिक्सल्स कर देता हूँ, आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें इसके बैकग्राउंड कलर को हटा देना है, हमें बस इसे ये वाइट कलर का बॉर्डर देना है और हमें इसे रेक्टेंगुलर बनाना है। सो टेक्स्ट कलर वाइट, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर को आप एक काम करें, अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो ये ऊपर वाला है जिससे कलर चेंज होगा और उसके बाद नीचे वाला है जिससे ट्रांसपेरेंट होगा, उससे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। अभी आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर चला गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी हमें इसे बॉर्डर देना है, सो बॉर्डर टाइप आपको ऑप्शन मिलेगा, बॉर्डर टाइप में सॉलिड सेलेक्ट करें और विथ में 2 टाइप कीजिए, 2 पिक्सल। अभी आपको दिखेगा ये बॉर्डर इसके पास आ गया। अभी ये बॉर्डर थोड़ा सर्कुलर है, मतलब इसमें थोड़ा बॉर्डर रेडियस ऐड है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, अगर आपको इस बटन को सर्कुलर बनाना है, गोल बनाना है, तो आप इधर बॉर्डर रेडियस 40-50 कुछ ऐड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे बटन कुछ इस तरीके से गोल हो गया, मुझे ये एकदम ही शार्प चाहिए, इसके कॉर्नर्स जो है, इसके जो कॉर्नर्स है चारों साइड के वो शार्प चाहिए, इसे सर्कुलर, इसे राउंडेड नहीं चाहिए। उसके लिए बॉर्डर रेडियस में हम 0 टाइप करेंगे। अभी आप देखेंगे ये शार्प रेक्टेंगुलर बटन हो गया, मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद आप सिंपली इसे अपडेट कर दें। अभी आप चाहें तो इसके पैडिंग को भी चेंज करते हैं। नॉर्मली इसका पैडिंग कुछ इस तरीके से है, पहले इसके पैडिंग को आप 0 कर दें, 0 आप करेंगे तो देखेंगे इसमें कोई भी गैप नहीं है। अभी मैं कुछ अपने हिसाब से गैप इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, इसमें टॉप और बॉटम में 15 और लेफ्ट एंड राइट में 40 पिक्सल्स हो। सो टॉप में 15, यहाँ पर राइट में 40, बॉटम में 15, लेफ्ट में 40। अभी आपका कुछ बड़ा सा बटन, पहले बटन काफ़ी छोटा था, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और खूबसूरत सा बटन है। इतना होने के बाद इसे अपडेट कर दे। अभी आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए आप फिर से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इससे अच्छा आप सिंपली इस बटन पर राइट क्लिक करके कॉपी करें, यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दे, आप देखेंगे सेम बटन आपके पास यहाँ पर आ गया। अभी इसके थोड़ा बहुत स्टाइल को हमको चेंज करना है, पहले तो इसका टेक्स्ट है डिस्कवर नाउ, सो इसके टेक्स्ट में हम टाइप करेंगे डिस्कवर नाउ। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल पे जाके इसके स्टाइल को चेंज करना है। स्टाइल में हम एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि पहले तो इसका टेक्स्ट कलर वाइट है जो कि ठीक है, बट इसके बैकग्राउंड के कलर को हमें चेंज करना है। पहले आप क्लियर कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, और यहाँ पर आप टाइप कीजिए EF3F49, आपको ये रेड कलर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हमें ये बॉर्डर का जो कलर था इसको भी हटाना है, बॉर्डर रेडियस का जो बॉर्डर का कलर था इसे भी हमें सेम कलर कॉपी पेस्ट कर देना है, EF3F49। आपका बटन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी बीच में हमें इतना गैप नहीं चाहिए, सो हम इजीली यहाँ पर इसे माउस को यहाँ पर लेके आप ऐसा गैप को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद इसे अपडेट कर दें। अभी हमें क्या करना है, अभी राइट हैंड साइड में हमें ये इमेज डिस्प्ले करना है। अभी इसके दो तरीके हैं, एक तो आप चाहे तो इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और जो भी इमेज आपको चाहिए, जैसा कि अगर वो इमेज हम यहाँ पर अपलोड करें, ये रहा वो इमेज, इसे यहाँ पर इस तरीके से ओपन करें, इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करें, आपको इस तरीके से इमेज आएगा। बट यहाँ पर इमेज में काफ़ी हमें कंट्रोल नहीं मिलता, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं इस इमेज को इसके बैकग्राउंड में, सेकेंड कॉलम के बैकग्राउंड में डाल देता हूँ, और जब आप इमेज को बैकग्राउंड में डालते हैं वो इमेज पर आपका बहुत सारा कंट्रोल होता है, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। सो इसको अगर आपको सेकेंड कॉलम के बैकग्राउंड में डालना है, इस बटन पर क्लिक करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें, एडिट कॉलम, जब आप उस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अभी स्टाइल पर जाइए,
बैकग्राउंड टाइप में जाइए और इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अभी हमने देखा कि इमेज को तो हमने अपलोड कर दिया बट फिर भी बटन ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये इसलिए होता है कि अगर आपके कॉलम एम्प्टी है, कॉलम में कुछ भी नहीं है, सो कॉलम के पीछे कुछ भी बैकग्राउंड हो वो डिस्प्ले नहीं होगा। सो हम चलते हैं कॉलम के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं, स्पेस वाला स्पेसर यहाँ पर डालिए। अभी आप देखेंगे जैसे ही आपने स्पेसर डाला ये इमेज डिस्प्ले होने लगा। स्पेस अभी 50 है, हमें इसे बढ़ा के 450 कर देना है। ओके, ये इतना बड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। अभी फिर से आप एडिट कॉलम पे क्लिक करें और ये इमेज को अभी थोड़ा चेंजेस करते हैं। हमें इसे इस तरीके से डिस्प्ले करना है। आप इसके साइज़ को, पोजीशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, पहले इसके साइज़ को कंट्रोल करते हैं। साइज़ को आप सेलेक्ट करें, बहुत सारे ऑप्शन है, कवर का ऑप्शन है, कंटेन का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से। अगर आपका ये इमेज बहुत बार ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आप रिपीट को नो रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर रिपीट है, इसे नो रिपीट सेलेक्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं अभी आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अभी साइज़ को मुझे क्या करना है, कस्टम रखना है। कस्टम में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, आप देखेंगे। अभी मैं इसके साइज़ को डिक्रीज करके कर देता हूँ 91। ओके, 91 मैं इस तरीके से टाइप कर सकता हूँ। अभी पोजीशन को भी हम कस्टम कर देते हैं, पोजीशन कस्टम। अभी इसको आप जिस तरीके से चाहे, अगर आप ऊपर नीचे आप देखेंगे इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा कि एक्स पोजीशन को मैं 0 रहने देता हूँ और वाई पोजीशन को हम चेंज करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लेके आते हैं इस तरीके से, और इसे मैं कर देता हूँ -260-270 के आसपास। जैसा आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप कर ले। ओके, आपका कुछ ऐसा नज़र आएगा, इसे अपडेट कर दें। अभी एक चेंजेस आपको करना है, आप दो चेंजेस एक्चुअली करने हैं। पहला चेंज तो ये करना है कि आपका टेक्स्ट इमेज के पीछे डिस्प्ले हो रहा है, मुझे ये टेक्स्ट ये इमेज के ऊपर डिस्प्ले करना है इस तरीके से। अगर आपको ये करना है तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडवांस पे जाइए, आपको जी इंडेक्स मिलेगा, ये रहा है जी इंडेक्स, यहाँ पर 1 टाइप कर दीजिए। अभी आप देखेंगे ये टेक्स्ट आपकी इमेज के ऊपर हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें ऊपर है, नीचे बहुत गैप है, मुझे इन सब चीज़ों को बीच में डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर आएंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एडिट सेक्शन को, और यहाँ पर कंटेंट लेआउट में जाएंगे, ये रहा लेआउट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल अलाइन, इसे मिडिल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद अपडेट कर दें। आप देख सकते हैं आपका ये सेक्शन हो गया मिडिल में। सो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट सेक्शन होता है कम्प्लीट। अभी जब भी कोई आप सेक्शन क्रिएट करते हैं उसके बाद आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो सेक्शन मोबाइल फ़ोन में और टैबलेट में कैसा नज़र आएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो आपके विजिटर्स होंगे, जो आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे, वो मोबाइल फ़ोन से होंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना कि मोबाइल में आपका ये सेक्शन कैसा नज़र आता है। सो अगर आपको वो देखना है, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आपको ये ऑप्शन मिलेगा रिस्पॉन्सिव मोड, उस पर क्लिक करें, मोबाइल सेलेक्ट करें। अभी आप देखेंगे मोबाइल में काफ़ी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो हमें इसे फिक्स करना है। सो पहले तो फर्स्ट टेक्स्ट पर क्लिक करें। अभी हमें मोबाइल में इसके मार्जिन की ज़रूरत नहीं, सो हम मार्जिन में यहाँ सब जगह 0 टाइप कर देंगे, इसका मार्जिन हो गया गायब। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अभी आप चेंजेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए होंगे। अगर आप कंप्यूटर में फिर से जाए, डेस्कटॉप पे अगर आप फिर से आएंगे, आप देखेंगे यहाँ मार्जिन अभी भी अवेलेबल है, इसलिए ये टेक्स्ट आपका बाहर जा रहा है, बट मोबाइल में हमने मार्जिन को हटा दिया है। अभी चलिए इस टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करते हैं मोबाइल के हिसाब से। सो टाइपोग्राफी पे चाहिए और इसके साइज़ को मैं कर देता हूँ 74। ओके, और इसे हर मोबाइल में आपको ज़्यादा टेक्स्ट को, सब टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहिए। सो कंटेंट में जाइए, अलाइनमेंट में इसे सेंटर कर दीजिए। सेकंड वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए, इसे भी पहले अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। स्टाइल पे जाइए और इसके साइज़ को हम डिक्रीज करके कर देते हैं 40 पिक्सल्स। ओके, जब आप 40 करेंगे ये एक लाइन में आ जाएगा। उसके बाद हमें बटन को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले बटन को इसे सेंटर में लेके आइए, सेकेंड वाले बटन को सेलेक्ट कीजिए और इसे भी सेंटर में लेके आ जाइए, इस तरीके से अलाइनमेंट सेंटर। अभी मुझे एक काम करना है, मुझे मोबाइल फ़ोन में ये इमेज डिस्प्ले करना ही नहीं है। सो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं एडिट कॉलम, सेकंड वाले कॉलम पे एडिट कॉलम, एडवांस पे जाइए, आपको रेस्पॉन्सिव का ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट कीजिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइड ऑन मोबाइल, इसे ऑन कर दीजिए। अभी मोबाइल फ़ोन में ये छुप जाएगा, मोबाइल फ़ोन में ये कॉलम नहीं नज़र आएगा। अभी ऊपर और नीचे थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं, उसके लिए एडिट सेक्शन पे क्लिक करें, एडवांस पे जाइए और पैडिंग थोड़ा ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम में। सो पैडिंग में मैं यहाँ पर पहले से अनलिंक कर दीजिए, टॉप पे 50 और बॉटम में भी 50। आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर और नीचे थोड़ा गैप ऐड हो गया। उसके बाद आप इस सेक्शन को अपडेट कर दें। अभी इसी तरीके से हम देख लेते हैं ये टैबलेट में कैसा नज़र आ रहा है। टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डली 5% लोग आपके वेबसाइट को टैबलेट से विजिट करते हैं, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं कैसा नज़र आ रहा है। सो टैबलेट में जाते हैं, टैबलेट में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी टैबलेट में फ़िक्स कर लेते हैं। पहले तो हमें टैबलेट में एक काम करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, इस टेक्स्ट को, स्टाइल पर जाइए
और इसके साइज़ को चेंज करके 72 कर दीजिए इस तरीके से। सेकंड वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, इसके साइज़ को चेंज करके 44 कर दीजिए। अभी आपको बटन को फिक्स करना है। बटन को फिक्स करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, बटन पे क्लिक करें और उसके बाद आप स्टाइल पे जाइए और इसके साइज़ को हम डिक्रीज़ कर देते हैं, टाइपोग्राफी पे जाके इसे 14 पिक्सल्स कर दीजिए। सेकंड वाले को भी इसी तरीके से क्लिक करें, स्टाइल पे जाइए, टाइपोग्राफी पे इसे भी 14 पिक्सल्स कर दीजिए। अभी फर्स्ट वाला बटन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसे फिक्स करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर पैडिंग भी थोड़ा डिक्रीज़ कर देते हैं। सो पैडिंग में फिर से हम यहाँ पर नॉर्मली हमने क्या सेलेक्ट किया था, पैडिंग में 15-40 मतलब टॉप और बॉटम में 15, लेफ्ट और राइट में 40। यहाँ पर मैं टैबलेट के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ 10 और 20, मतलब टॉप और बॉटम में 10 और लेफ्ट एंड राइट में 20 इस तरीके से। ओके, और सेम चेंजेस मैं यहाँ भी फर्स्ट वाले में भी कर लेता हूँ। स्टाइल पे जाएंगे, पैडिंग को डीलिंग करेंगे, टॉप 10, राइट 20, बॉटम 10, लेफ्ट 20। अभी आपका सेकेंड वाला बटन थोड़ा बड़ा है, फर्स्ट वाला थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। पहले तो इस पर क्लिक करें, एडिट कॉलम पर इसे 50 पिक्सल्स बना देते, 50%, या फिर एक काम करते हैं, हम एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं। एडिट कॉलम पे जाइए, आप दोनों के परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम को मुझे 45% रखना है और सेकेंड वाले को आप कर दीजिए 55। उसके बाद आप इस सेक्शन को अपडेट कर दीजिए। अभी चलिए हम सेकेंड वाले कॉलम को भी फिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ एडिट कॉलम पर क्लिक करें, स्टाइल पर जाइए और इसको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको पोजिशन को यहाँ पर सेंटर सेंटर कर दीजिए, या फिर जिस हिसाब से सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट अगर आप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर लेफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे अपडेट करते हैं। अभी आप देखेंगे तीनों डिवाइसेस में ये सेक्शन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और तीनों के लिए हमने कम्प्लीटली डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। और अगर सो इसी के साथ आपका फर्स्ट सेक्शन होता है कम्प्लीट। अभी एक चीज़ आप नोट करें, फर्स्ट सेक्शन में हमें बहुत टाइम लग गया, बिकॉज इसलिए कि ये सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग हमें इसमें करनी थी। आगे की सब के सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही, आप देखेंगे जितने टाइम में हमारा ये फर्स्ट सेक्शन हुआ उतने टाइम में पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड सेक्शन के लिए। फिर से आप प्लस बटन पर दबाएंगे। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ भी हमें एक सिंगल कॉलम चाहिए, सो हम सिंगल कॉलम सेलेक्ट करेंगे। पहले हमारे पास ये टाइटल और सब टाइटल है, इसे डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे हेडिंग को। अभी हेडिंग जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे, काफ़ी सारी हेडिंग है, हमें ये वाला हेडिंग सेलेक्ट करना है, हेडिंग बाय ई किट, ये रहा। ओके, ये हेडिंग लिखा हुआ है, ऊपर आप देखेंगे बॉटम में लिखा है ई किट, टॉप राइट कॉर्नर पे ई किट लिखा हुआ है। सो ये वाला हेडिंग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, आपको इस तरीके से डिज़ाइन मिल जाएगा। अभी हेडिंग हमें चाहिए फीचर्ड कैटेगरीज, सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फीचर्ड कैटेगरीज। और हेडिंग में भी हमने एक डिज़ाइनिंग क्या चेंज किया है कि फीचर्ड पतला है, कैटेगरीज मोटा है। अगर आप ध्यान से देखें, फीचर्ड जो है वो थोड़ा लाइट वेट है और कैटेगरी थोड़ा बोल्डर है। और उसके बाद दूसरा चेंज ये है कि फीचर का कलर अलग है, कैटेगरीज का भी कलर अलग है। सो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पहले तो हम कैटेगरीज को अलग करना है। सो आप देखेंगे नीचे फोकस टाइटल के लिए एक सेटिंग दिया हुआ है, आपको जो भी टाइटल को फोकस करना है उसे इस तरीके से ये कर्ली ब्रेसेस में डालना है। सो कैटेगरीज के पहले आप ये कर्ली ब्रेसेस, दो कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद भी दो कर्ली ब्रेसेस डाल दें। अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कैटेगरीज यहाँ पर बोल्डर हो गया, मोटा हो गया। अभी हम जाते हैं स्टाइल पे, इसे पहले तो सेंटर अलाइन कर दीजिए, सेंटर में लेके आइए। अभी टाइटल पे चल के इसके स्टाइल को चेंज करते हैं। ये टाइटल का स्टाइल चेंज करेगा फीचर्ड का, और कैटेगरीज के आपके लिए, कैटेगरीज के लिए आपको फोकस टाइटल चेंज करना होगा। सो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पॉपिंस। ओके, सो उसके लिए टेक्स्ट शैडो नहीं, उसके लिए ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, टाइपोग्राफी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है, पॉपिंस इसे बना देना है। सो मैं इसे पॉपिंस सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और फोकस टाइटल में जाइए, इसके कलर को यहाँ से चेंज करके ब्लैक की जगह हम यहाँ पर EF3F49 ये वाला रेड कलर डाल देते हैं। ये कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज सेपरेटर के लिए भी हमें सेम कलर चाहिए। सो यहाँ पर आइए सेपरेटर पे, सेपरेटर कलर में भी यही कलर आप पेस्ट कर दीजिए। अभी आपको कुछ ऐसा सेक्शन नज़र आएगा, ऑलराइट। उसके बाद अभी इसे आप अपडेट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर फिर से हमें चार कॉलम्स चाहिए। सो एक कॉलम के अंदर ज़्यादा कॉलम ऐड करने के लिए हमने ऊपर ही देख लिया, हमें इनर सेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। सो इनर सेक्शन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। नॉर्मली टू कॉलम्स यहाँ पर ऐड होते हैं, हम एक काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर कॉलम पे, ऐड न्यू कॉलम करेंगे, फिर से एडिट कॉलम पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम करेंगे। अभी हमारे पास चार कॉलम्स आ गए। अभी फर्स्ट कॉलम में मुझे क्या करना है, मुझे प्रीमियम बैनर्स ऐड करने हैं। उसके लिए आप विजेट में सर्च कीजिए प्रीमियम बैनर्स, ये रहा प्रीमियम बैनर, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे फर्स्ट कॉलम में, आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। पहले तो इमेज ऐड कर लीजिए, जो भी इमेज चाहिए इसके लिए,
सो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, हम ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं, इसे ओपन कर लें, इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करें, आपका इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और इसका टाइटल आप देख सकते हैं मेंस शर्ट्स। सो ये टाइटल आपको देना है, बट इससे पहले आप एक काम करें, इसे लिंक पे क्लिक करें ताकि जो भी इस पे क्लिक करे वो किसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। और इस बार भी मैं इसे शॉप पेज पे रीडायरेक्ट करूंगा। सो एग्जिस्टिंग पेज में आप शॉप सेलेक्ट कर लें, अभी जो भी इस पे क्लिक करेगा वो शॉप पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट इफेक्ट्स है, ये है इफेक्ट वन आप देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इफेक्ट टू सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका इफेक्ट टू कुछ इस तरीके से है, इफेक्ट थ्री इस तरीके से है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें चेंजेस है। मुझे यहाँ पर इफेक्ट वन रखना है, बट मुझे इसे ऑलवेज हावर्ड रखना है, मतलब जब आप इस पर हावर करते हैं तो इस तरीके का आपको डिज़ाइन दिखता है, मुझे इसे ऑलवेज हावर्ड रखना है। उसके बाद कंटेंट में जाएंगे और हावर इफेक्ट में एक चीज़ करना है, अभी आप देखेंगे हावर मतलब आप अपना माउस कर्सर जब इस पर लेके जाए, अभी जब हम अपना माउस कर्सर इस पर लेके जाते कुछ भी नहीं होता, मुझे हावर इफेक्ट देना है जूम इन, मतलब जब आप इस पर अपना माउस कर्सर लेके जाए इमेज जूम हो जाएगी। और भी सारे हावर इफेक्ट है, जो भी आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी टाइटल में मुझे रखना है इसे मेंस शर्ट्स, सो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं चाहिए, सो मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी है मैं सबको डिलीट कर दूंगा, फिर आप इसे अपडेट कर दें। अभी हमें इसे सेंटर में लेके आना है, सो अलाइनमेंट को आप यहाँ से सेंटर कर दें। अभी इसे हम डिज़ाइन करते हैं इस टाइटल को, उसके लिए आप स्टाइल पे जाइए यहाँ पर और यहाँ पर टाइटल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पहले इसके कलर को जो भी कलर आप रखना चाहें, यहाँ पर हमने इसे वाइट कलर रखा है सो यहाँ पर वाइट सेलेक्ट कर लें। टाइपोग्राफी में जाइए, इसके फॉन्ट फैमिली को हम फिर से पॉपिंस कर देंगे। पॉपिंस एक्चुअली क्या है, मैंने एक चीज़ अगर आप नोट करे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, पहले पॉपिंस सेलेक्ट करें और इसके साइज़ को 25 कर दें, इसे अपडेट कर दीजिए। अभी मैंने क्या किया, पॉपिंस को अपना मेन टेक्स्ट रखा है, इसके लिए आप देखेंगे इसके लिए भी पॉपिंस यूज़ किया, इसके लिए भी पॉपिंस यूज़ किया, सो इस टाइपोग्राफी को हम थ्रू आउट दी वेबसाइट यूज़ करेंगे। दूसरा हमने एक काम किया, ये जो रेड कलर है EF3F49, इसे मैंने अपना प्राइमरी कलर बना दिया है, सो इस कलर को भी हम थ्रू आउट दी वेबसाइट यूज़ करेंगे। इससे ये होता है कि आपका वेबसाइट कंसिस्टेंट लगता है थ्रू आउट दी वेबसाइट, हर चीज़ डिज़ाइन सिमिलर लगती है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर में ये रेड कलर है, अगर आपको ये रेड कलर चाहिए आप एक काम कर सकते हैं, फिर से वो फाइल ओपन करें जो आपने डाउनलोड किया है, उसमें आपको ये फाइल मिलेगा CSS का, इसे ओपन करें और इसमें मैंने कई सारे CSS कोड दिए हैं। ये जो सबसे पहला वाला कोड है इतना आप देख सकते हैं, उसका टाइटल दिया हुआ है होम प्रीमियम बैनर टाइटल बैकग्राउंड, ये CSS कोड आपके टाइटल के बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। सो आप इसे कॉपी करें और CSS को कहाँ पेस्ट करेंगे, अपने वेबसाइट पे आइए यहाँ पर और इस यहाँ से आप कस्टमाइज़ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, डैशबोर्ड में जाइए, अपीयरेंस पे हावर करेंगे, उसमें भी आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी बॉटम में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड से आपको कस्टम CSS मिलेगा, पहले तो आप देखिए इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी वो कोड यहाँ पेस्ट कर दें, आप देखेंगे जैसे ही आपने वो कोड पेस्ट किया इसका कलर हो गया बैकग्राउंड में ये रेड कलर, इसे पब्लिश कर दें। अभी आप इसे कट कर सकते हैं, फिर से इस पेज पर आइए, इसे रिफ्रेश कर दें ताकि आपको चेंजेस यहाँ पर नज़र आए। अभी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहा, अभी आपको फिर से ये चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इसे राइट क्लिक करके कॉपी यहाँ पर पेस्ट 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 कर दीजिए, आपका काफ़ी टाइम बच गया। अभी सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, इसके लिए जो भी इमेज आपको चाहिए वो यहाँ से आप अपलोड कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बैग का इमेज चाहिए यहाँ से अपलोड कर दें, इसके टाइटल को चेंज कर दीजिए, बैग्स यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए इस तरीके से। आप देखेंगे अभी काफ़ी टाइम आपका बच गया, एक मिनट के अंदर में ये चीज़ हो गई आपकी, सो इस तरीके से आप काफ़ी टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। अभी हम थोड़ा गैप ऐड कर लेते हैं ऊपर नीचे, सो एडिट सेक्शन पे क्लिक करें, एडवांस पे जाइए और थोड़ा पैडिंग ऐड कर लेते हैं, टॉप और बॉटम पे हम 100 पिक्सल्स का पैडिंग ऐड कर लेते हैं, ऑलराइट, और ये टाइटल और इसके बीच में भी थोड़ा पैडिंग ऐड कर लेते हैं, सो टाइटल पे क्लिक करें, एडवांस पे जाइए और इसके नीचे मैं एक काम करता हूँ 35 पिक्सल्स का पैडिंग ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आप इसे अपडेट कर दें। ये सेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली और टैबलेट फ्रेंडली है, आपको इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप एक चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इसके स्टाइल, इसके साइज़ को, टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि टैबलेट में ये अच्छा लगे। ओके, इस तरीके से आप जाके यहाँ पर टाइटल में इसके साइज़ को आप चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप 15 करें सो इस तरीके से ये अच्छा लगेगा। और इसके स्टाइल को यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर राइट क्लिक करके इस बार पेस्ट स्टाइल कीजिए, पेस्ट स्टाइल ओके। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इसे टैबलेट में हर कॉलम के साइज़ को आप 50% बना सकते हैं, इसे 50, इसे भी, इसके भी लेआउट को 50 कर दीजिए,
मतलब एडिट कॉलम पे क्लिक करके सबके विथ को 50 कर दीजिए। इससे ये एक कॉलम में, एक रो में दो कॉलम्स डिस्प्ले करेगा इस तरीके से। सो जो भी आप जिस तरीके से भी इसे बनाना चाहे बना सकते हैं, इसे अपडेट कर दें, फिर से डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। इसके साथ आपका सेकंड सेक्शन हो गया कंप्लीट। आपका थर्ड सेक्शन है ये वाला सेक्शन, जो बहुत ही ईजी सेक्शन है, सबसे ज़्यादा ईजी सेक्शन अभी के लिए। इसे भी हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली फिर से आप ये प्लस बटन पे दबाएंगे, टू कॉलम्स ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट कॉलम में आपके पास ये टाइटल है और राइट हैंड साइड कॉलम में ये आपका कैरोसेल है, जो ये सब ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। अभी सबसे पहले हम एक काम करेंगे, बिकॉज हमारे पास, हमें यहाँ लेफ्ट कॉलम छोटा चाहिए और राइट कॉलम बड़ा चाहिए, सो हम लेफ्ट कॉलम के विथ को कर देंगे 25% और राइट कॉलम ऑटोमेटिकली 75% हो जाएगा। इसे अपडेट कर दें। अभी लेफ्ट कॉलम में हमें ये सिंपल सा टाइटल ऐड करना है। उसके लिए आप हेडिंग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे लेफ्ट वाले में, जो भी हेडिंग चाहिए आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। स्टाइल पे जाइए, इसके कलर को चेंज कर दीजिए। अगर आपको इसको ब्लैक कलर करना है, कोई भी और कलर करना है, आप इसे कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसके टाइपोग्राफी को हम चेंज करके इसे पॉपिंस बना देते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, हम पॉपिंस को थ्रू आउट दी वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये बीच में ये लाइन है। ये लाइन क्या है? ये एक्चुअली बॉर्डर है। सो हम एक काम करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एडिट कॉलम, लेफ्ट कॉलम को एडिट करेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर ऐड करेंगे। सो स्टाइल पे जाइए, बॉर्डर पे जाइए। इस बार हमें हर जगह बॉर्डर ऐड नहीं करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड में। सो ये राइट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक काम करें, टू टाइप कर दीजिए, 2 pixels का बॉर्डर ऐड हो जाएगा। और बॉर्डर टाइप को आप सॉलिड कर दीजिए, जो भी बॉर्डर कलर चाहिए, मुझे ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहिए। ओके, हमने ये बॉर्डर रेडियस कर दिया, बॉर्डर रेडियस को हटाइए, बॉर्डर विथ में 2 pixels राइट कर दीजिए। ऑलराइट, अभी आपको ये नज़र आएगा, ये रहा आपका बॉर्डर। इसे और भी अच्छी तरीके से हम करेंगे, पहले इसे अपडेट करें। अभी हम एक काम करेंगे, राइट हैंड साइड में इमेज कैरोसेल को ऐड करेंगे। सर्च कीजिए इमेज कैरोसेल, ये रहा आपका। इसे राइट हैंड साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और जो जो इमेजेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं सबको अपलोड कर दीजिए। सब के सब इमेजेस मैंने दिया है आपको, जो जो आपको डिस्प्ले करने हैं इस तरीके से आप सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ओपन करें, सब के सब इमेजेस आपके ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करके इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दें। अभी इसका स्टाइल कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। पहले इसके इमेज साइज़ को आप फुल करें, अभी आपको ये दिखेगा, काफ़ी बेटर लग रहा है। और स्लाइड्स टू शो 5 कर दीजिए, बिकॉज एक टाइम पे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 slides शो कर रहे हैं। फिर स्लाइड्स टू स्क्रॉल में आप 1 कर दीजिए, मतलब जब आप माउस से इसे करें तो एक एक स्लाइड ऐसा स्क्रॉल होगा। अभी हमें नीचे ये डॉट्स ये सब नहीं चाहिए, सो उसके लिए नेविगेशन में आप नन कर दीजिए, हमें ये डॉट्स नहीं चाहिए नेविगेशन में। फिर से अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये टाइटल आपका थोड़ा ऊपर है, बीच में नहीं है। सो जैसे कि हमने पहले किया था, एडिट सेक्शन पे क्लिक करके वर्टिकल अलाइन में इसे मिडिल कर देंगे, सब चीज़ बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ करना है, हमें थोड़ा ऊपर और नीचे पैडिंग ऐड करना है और इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड का कलर थोड़ा ग्रे कलर है और ऊपर और नीचे अच्छा खासा पैडिंग है। उसके लिए आप एक काम करें, पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। स्टाइल पर जाइए, इसके बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर टाइप, पहले क्लियर पे क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करें F4, 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 ये आपका ग्रे कलर आ गया। उसके बाद एडवांस पे जाइए और ऊपर नीचे थोड़ा पैडिंग ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 25 ऊपर और 25 नीचे, टॉप और बॉटम। अभी आप इसे मोबाइल में देखिए, जो भी स्क्रीन में देखिए, आपको ये काफ़ी खूबसूरत इस तरीके से नज़र आएगा। ऑलराइट, ये सेक्शन भी आपका हो गया कम्प्लीट। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमारे पास ये सेक्शन। अभी आगे के जो भी सेक्शंस है वो बहुत ही ईजी होंगे, इसलिए बिकॉज इनके स्टाइल सेम है, टाइटल ऊपर नीचे गैप, यहाँ भी टाइटल ऊपर नीचे गैप। सो हम एक काम करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए हम इस सेक्शन पे आएंगे, फीचर कैटेगरीज वाले, इस पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, बॉटम में आएंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है, बिकॉज आपने टाइटल को पहले से डिज़ाइन कर रखा है, सिर्फ आपको टेक्स्ट चेंज करना है, पहले से स्पेसिंग सब कर रखा है आपने। टाइटल पे क्लिक करें, जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ पर हमें टॉप इंटरेस्टिंग टाइटल टाइप करना है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, फीचर्ड की जगह टाइप कर दूंगा टॉप, और ये कैटेगरीज की जगह हम टाइप कर देंगे इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं कितना टाइम आपका बच गया। उसके बाद इसे अपडेट कर दें। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, हमें ये टैब्स चाहिए। सो मैं ये कम्प्लीट रो को, कम्प्लीट इनर सेक्शन को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टैब, TAB टाइप कीजिए और ये वाला सेलेक्ट कीजिए टैब। ये भी ई किट के द्वारा है, ई किट टैब, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। टैब के स्टाइल को हमें चेंज करेंगे बाद में, पहले टैब के अंदर, या फिर एक काम करते हैं, पहले टैब के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर के स्टाइल को चेंज करेंगे। उसके लिए आप एक काम करें, स्टाइल पे जाइए, आपको टैब का ऑप्शन मिलेगा, ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, नैव आइटम्स। नैव आइटम्स में जाएंगे, पहले तो आपका ये इतने सारे ऑप्शन है पैडिंग के, पैडिंग को आप 0 कर दीजिए,
ओके यहाँ से, या फिर काम करे पैडिंग टॉप और बॉटम को रहने दे, लेफ्ट एंड राइट को टॉप और बॉटम को ज़ीरो कर दीजिए और लेफ्ट एंड राइट में यहाँ 10 कर दीजिए, ओके इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से अभी सेक्शन नज़र आएगा। हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए, सो यहाँ बॉर्डर में आके आप ये रहा बॉर्डर वन टाइप किया हुआ है, आप यहाँ पर ज़ीरो टाइप कर दीजिए, बॉर्डर विथ ज़ीरो, आपका वो बॉर्डर चला गया। मुझे इस तरीके से बहुत ही सिंपल टैब यहाँ पर रखना है, अगर आपको स्टाइल चाहिए आप उसे रख सकते हैं, बट मुझे इसके स्टाइल को चेंज करना है थोड़ा इस तरीके से। ऑलराइट, अभी चलिए एक काम, फाइनल चीज़ ये करना है कि पहले तो हमें इसे सेंटर अलाइन करना है, इसे हमें सेंटर में लाना है। सो मेरे ख्याल से वो रैपर में होगा, रैपर या फिर नैव रैपर में, देखिए नैव आइटम्स, मेरे ख्याल से कंटेंट में होना चाहिए, कंटेंट में जाके ये रहा नैव अलाइनमेंट, इसे सेंटर कर दीजिए। अभी हमें ये आइकन्स की भी ज़रूरत नहीं, बट वो आइकन्स को बाद में हटाएंगे, पहले टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए स्टाइल पे जाइए, नैव आइटम्स में फिर से जाइए और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा टाइपोग्राफी का, ये रहा सबसे ऊपर, टाइपोग्राफी को सेलेक्ट करें और इसके लिए मैं दूसरा थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ओपन सैंस, ऑब्वियसली यहाँ भी अगर आप चाहें तो पॉपिंस रख सकते हैं, मैं इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इसे 20 पिक्सल्स थोड़ा बड़ा कर दें और इसे सिंपली अपडेट कर दें। अभी आप कॉन्टेंट में आइए, नीचे के दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और वर्डप्रेस में क्या करना है, वर्डप्रेस में पहले तो हमें वर्डप्रेस पे क्लिक करें, आइकन टाइप को हटा दीजिए, हमें इस आइकन की ज़रूरत नहीं, ऊपर सिर्फ वर्डप्रेस टाइप है, वर्डप्रेस नहीं टाइप करना है मुझे, यहाँ पर टाइप करना है न्यूवेस्ट। मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा न्यूवेस्ट, बिकॉज इसमें अभी हम सबसे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले किया वो जो अभी ऐड किया वो डिस्प्ले करना है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसे डिलीट कर दीजिए। अभी एक काम करें, नया टैब ओपन करें और यहाँ पर सर्च कीजिए WooCommerce शॉर्टकट्स, ओके गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको ये लिंक मिलेगा, शॉर्टकट्स इंक्लूडेड विथ WooCommerce, उस पर क्लिक करें, अभी आपको ये पेज मिलेगा। अभी एक काम करें, फिर से नीचे स्क्रॉल करें और आपको कुछ सीनारियोज, कुछ सिचुएशंस यहाँ पर मिलेंगे, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल प्रोडक्ट सीनारियो। सो अगर आपको सेल आइटम डिस्प्ले करना है ये कॉपी करेंगे, फीचर्ड आइटम डिस्प्ले करना है ये कॉपी करेंगे, बेस्ट सेलिंग ये कॉपी करेंगे और न्यूएस्ट प्रोडक्ट के लिए, रीसेंट प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं ये कॉपी करेंगे। सो इसे यहाँ से कॉपी कर ले ये कोड को, अपने वेबसाइट पे आइए और बाय डिफ़ॉल्ट आप विजुअल में है, विजुअल में नहीं टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसे पेस्ट कर ले, आप देख सकते हैं जो भी आपका लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अभी हम इसे थोड़ा और डिज़ाइन करते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, ओके डुप्लीकेट करने से क्या होगा, आपके पास एक नया टैब आएगा न्यूएस्ट, न्यूएस्ट की जगह हम इसे यहाँ पर अभी टाइप करेंगे फीचर्ड, यहाँ पर अभी आपको फीचर्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है इसलिए हम टाइप करेंगे फीचर्ड, ओके आपका नया टैब आ गया इस तरीके से। अभी फीचर्ड में हमें क्या करना है, हम फीचर्ड प्रोडक्ट का कोड यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये रहा फीचर्ड प्रोडक्ट का कोड, यहाँ से इसे कॉपी कर ले, फिर से मेक श्योर आप पहले से अच्छे से कॉपी कर ले, फिर से मेक श्योर आप टेक्स्ट में रहे, विजुअल में नहीं टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाइए, इसे यहाँ से डिलीट कीजिए और फिर पेस्ट कर दीजिए जो नया कोड आपने कॉपी किया है। अभी अगर आप फीचर्ड में जाए कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट को फीचर्ड नहीं बनाया है। अभी उसे फीचर्ड बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पर इसका स्टाइल हमें चेंज करना है, अभी आप देखेंगे ये कलर और ये ब्लैक कलर को हमें हटाना है, उसके लिए आप स्टाइल पे जाइए, नैव आइटम्स पे क्लिक करें, मुझे क्या चाहिए जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, जो एक्टिव टैब है उसका कलर रेड होना चाहिए, जो इनएक्टिव टैब है उसका कलर ब्लैक, अगर मैं बेस्ट सेलर को एक्टिव करूँ बेस्ट सेलर का कलर हो गया रेड, बाकी सबका ब्लैक। सो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल और एक्टिव, नॉर्मल टाइटल कलर में जाके इसे ब्लैक करें और एक्टिव में जाके टाइटल कलर को क्लियर करके यहाँ पर टाइप करें EF3F49, अभी ठीक है ऑलराइट नॉर्मल, ओके ये रहा, ये कलर को भी आपको यहाँ से चेंज करना है, इसे भी यहाँ से ब्लैक कर दें। नॉर्मल में अगर ये कलर चेंजेस नहीं हो रहा है, एक बार पहले आप क्लियर कर दीजिए, अभी आप देखेंगे कलर चेंज किया हमने, क्लियर किया अपने आप ये ऑटोमेटिकली हो गया, फिर से इसे ब्लैक करें, अभी आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपका कलर चेंज नहीं हो रहा है पहले क्लियर पे दबाएं फिर ब्लैक सेलेक्ट करें, अभी अपडेट कर दें। अभी हम प्रोडक्ट को फीचर प्रोडक्ट देखते हैं कैसा बनाते हैं, उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, अगर सपोज मुझे इस प्रोडक्ट को फीचर प्रोडक्ट बनाना है, हर प्रोडक्ट के साइड में आपको ये स्टार मिलेगा, बस उस स्टार पे क्लिक कर दे ये प्रोडक्ट अपने आप फीचर्ड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं फीचर्ड में कुछ भी नहीं है, बट अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें, फिर से अगर आप उस सेक्शन पे जाएंगे फीचर्ड पे क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये फीचर्ड सेक्शन है। अभी हमें एक काम करना है, कोड को मैंने एडिट नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ, पहले तो न्यूएस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट लिमिट 4 है और कॉलम्स 4 है, हमने 8 प्रोडक्ट्स, 8 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, सो प्रोडक्ट लिमिट को 8 कीजिए
और कॉलम को 4 रहने दीजिए। उसके बाद फीचर्ड में जब आप जाएंगे, फीचर्ड में प्रोडक्ट लिमिट 4 है, इसे भी ऐड कर दीजिए, और कॉलम्स सिर्फ 2 है, इसलिए आप देखेंगे इतना बड़ा इमेज दिख रहा है। कॉलम्स को भी 4 कर दीजिए। अभी ये भी फिक्स हो गया। अभी आप फीचर्ड में जाएंगे, इस तरीके से आपको नज़र आएगा, इसे अपडेट कर दीजिए। और आई गेस इसी के साथ आपका ये सेक्शन भी होता है कंप्लीट। अभी हम एक काम करते हैं, इसके बाद हमारा ये सेक्शन है, ये बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है। उसके लिए ऑब्वियसली एक काम करेंगे, फिर से प्लस बटन पे दबाएंगे। यहाँ पर हमें चाहिए 3 कॉलम्स, हम 3 कॉलम्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हर कॉलम के अंदर में हम इनर सेक्शन ऐड करेंगे। इनर सेक्शन इसलिए ऐड करेंगे बिकॉज हमें लेफ्ट में ये आइकन और राइट में हमें ये टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। अभी सबसे पहले तो लेफ्ट में छोटा कॉलम चाहिए, सो हम एडिट कॉलम करेंगे और इसे 25% बना देंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिंपल सा आइकन चाहिए, सो ये आपका आइकन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। और जो भी आइकन आपको चाहिए, यहाँ पर हमने ये ट्रक का आइकन रखा है, सो यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में क्लिक करके ट्रक का आइकन सर्च करें, इंसर्ट कर दीजिए। अभी इसको स्टाइल को चेंज करते हैं। पहले तो इसका व्यू को चेंज करके हमें रखना है स्टैक्ड। स्टैक्ड में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, ये राउंड कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब इसके स्टाइल को चेंज करने के लिए स्टाइल पर जाइए। अब इसके प्राइमरी कलर क्या है, प्राइमरी कलर इसका बैकग्राउंड कलर है, आप देख सकते हैं वाइट कलर, सो हम इसे वाइट कर देते हैं, ये गायब हो गया। सेकेंडरी कलर है इसका आइकन का जो कलर, मैं यहाँ पर ये टाइप करना चाहता हूँ 343A40, आपको ये कलर मिल जाएगा। और इसके साइज़ को हम डिक्रीज कर देते हैं, इसे 35 पिक्सल्स कर देते हैं, इसे अपडेट कर दें। अभी आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर हमारा नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वाइट कलर है, सो हम एक काम करते हैं, इसका जो मेन बैकग्राउंड कलर है ये ये येलो और ये सब कलर ये कर देते हैं। उसके लिए आप इनर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट इनर सेक्शन, स्टाइल पे जाएंगे और इसके कलर को चेंज कर देंगे। अभी आप एक काम कर सकते हैं, एक बहुत ही यूज़फुल और फ्री क्रोम एक्सटेंशन है जिसे कहते हैं कलर जिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास ये गूगल क्रोम में नहीं है, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, नया टैब ओपन करें और सर्च कीजिए कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसे सिंपली आपको यहाँ पर बटन मिलेगा ऐड टू क्रोम, मैंने पहले से ऐड किया इसलिए मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन मिल रहा है। आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर पिकर का ये आइकन मिल जाएगा, जब उस पर क्लिक करेंगे। अभी जहाँ भी आप अपना ये माउस लेके जाएंगे वहाँ का कलर पे जब आप क्लिक करेंगे, कलर के कोड को ये ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेता है। अभी अगर मैं यहाँ के इसे पेस्ट करूँ सिर्फ यहाँ पर, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम कलर इसने कॉपी पेस्ट कर लिया। सो बहुत ही यूज़फुल और फ्री विजेट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं, पहले हेडिंग ऐड करते हैं, इसके लिए हम टाइप करेंगे फ्री शिपिंग और इसके स्टाइल को हम चेंज करते हैं। पहले तो यहाँ टाइटल चेंज करते हैं फ्री शिपिंग, इसके कलर को हम कर देंगे वाइट और इसके टाइपोग्राफी को, बिकॉज हमने पॉपिंस को मेन फॉन्ट फैमिली बनाया है, हम यहाँ पर पॉपिंस रखेंगे। इसके साइज़ को मैं 20 कर देता हूँ, इसे अपडेट कर दें। उसके बाद आपका ये टेक्स्ट है, जब आपको इसे 2-3 लाइन का टेक्स्ट आए, आपको हेडिंग की जगह हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए भी, बट हेडिंग की जगह बेटर होता है आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें। ओके, सेम ऑप्शन होता है, बस यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पर पेस्ट कर दें। स्टाइल पे जाइए, इसके भी टेक्स्ट कलर को वाइट कर दीजिए और इसके भी टाइपोग्राफी को हम पॉपिंस कर देंगे और इसे मैं छोटा करूँगा थोड़ा, तो मैं इसे 12 पिक्सल्स कर देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद इसे अपडेट कर दें। अभी मुझे यहाँ 2 प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये इमेज या आइकन आपका ऊपर है, हमें इसे फिर से बीच में करना है। और दूसरा प्रॉब्लम, हमारे पास काफ़ी गैप नहीं है, हर चीज़ एक कॉर्नर में साइड में टच कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए आइकन के ऊपर नीचे साइड में सब जगह थोड़ी थोड़ी गैप है, सो हमें ये 2 चीज़ करना है। उसके लिए इनर सेक्शन पे, एडिट इनर सेक्शन पे क्लिक करें, लेआउट पे जाइए, वर्टिकल अलाइन में मिडिल कर दीजिए, इससे ये आइकन मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद एडवांस पे जाइए और थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा, पैडिंग ऐड कर देता हूँ 15 पिक्सल्स का ऑल साइड से। ओके, कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, टॉप और बॉटम में 50 और लेफ्ट एंड राइट में सिर्फ 5 कर सकते हैं, जो आप जैसा जिस हिसाब से करना चाहे। सो टॉप बॉटम में 1, 5, 15 और लेफ्ट एंड राइट में 5। आपका ये सेक्शन हुआ कंप्लीट। अभी आप यहाँ पर एडिट सेक्शन पे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और जिस हिसाब से आप इसमें चेंजेस करना चाहे बहुत ही ईजिली आइकन पे क्लिक करें, जो भी आइकन आपको चाहिए। इस बार हमें ये हैंड शेक का आइकन चाहिए, सो आप सर्च कीजिए हैंड शेक, आपको ये आइकन ये रहा, ये वाला आइकन सेलेक्ट करके इसे इंसर्ट कर दीजिए, आइकन आ गया। जो भी टाइटल आपको चेंज करना है, ये टाइटल की जगह हमें 24/7 गारंटी डालना है, ये कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए इनर सेक्शन, एडिट इनर सेक्शन पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, ये कलर की जगह फिर से आप कलर जिला यूज़ करें और ये कलर के ऊपर अपना माउस लेके जाए, कॉपी करें, क्लिक करें, बस अपने आप कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दें। इतना आसान है, इसे अपडेट कर दीजिए। और आई गेस इसी के साथ आपका ये सेक्शन भी होता है कम्प्लीट।
अभी हमारा फाइनल सेक्शन जो को बहुत ही इजी सेक्शन है आपका, ये न्यूज़ का सेक्शन। उसके लिए फिर से मैं एक काम करूँगा, ये सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके बॉटम में इसे पेस्ट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास ये टाइटल सबटाइटल का टाइम बच जाएगा। इसे इनर सेक्शन को क्लिक कर देता, उसी तरीके से आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने ब्लॉग्स क्रिएट नहीं किया है अभी तक, पोस्ट ब्लॉग्स क्रिएट नहीं किया है, सो पहले वो कर लेते हैं। ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, एक पोस्ट एक ब्लॉग तो आपके लिए पहले से क्रिएटेड होगा हेलो वर्ल्ड का, उसे डिलीट कर दें। ऐड न्यू पे क्लिक करें, मैं एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे इसका स्टाइल कैसा है और ये कैसा नज़र आता है। ये इसका टाइटल रहेगा, सो हम यहाँ पर टाइटल में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी इसके नीचे ये इसका कॉन्टेंट है, ओके, सो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप इसे पेस्ट करें आप देख सकते हैं ये फॉन्ट आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें राइट साइड से, इसे कैटेगरी दे सकते हैं। अभी याद रखें ये जो कैटेगरी है, पहले तो मैं इसका ब्लॉक का कैटेगरी दे देता हूँ, ये जो कैटेगरी है ये प्रोडक्ट के कैटेगरी से डिफरेंट है। प्रोडक्ट का कैटेगरी दूसरा था, ये सिर्फ ब्लॉक का कैटेगरी है। उसके बाद आप फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज जो इसके टॉप पे ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है ये इसका फीचर्ड इमेज है। इसके लिए हम कुछ इमेज यहाँ से अपलोड कर देते हैं, जो भी इमेज आपको पसंद हो। ब्लॉग के लिए मेरे ख्याल से ये रहा फोल्डर, इस फोल्डर में ब्लॉग से रिलेटेड इमेजेस आपको दिए हुए हैं, इसे अपलोड कर ले, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप इसे पब्लिश कर दीजिए, इसी के साथ आपका एक ब्लॉग होता है कम्प्लीट। अभी हम उस ब्लॉग को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी ब्लॉग को डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पर सर्च करें पोस्ट ग्रिड, आपको ये ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ग्रिड, ये रहा पोस्ट ग्रिड, इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ओके, आपका सेक्शन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। पहले तो मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, माय पोस्ट का टाइटल। उसके लिए आप कंटेंट में जाएंगे, आपको हेडिंग मिलेगा, हेडिंग में माय पोस्ट लिखा हुआ, इसे डिलीट कर दें। जब आप उसे डिलीट कर देंगे ये जो चीज़ है फिल्टर ऑप्शन, ये आपको बीच में आ जाएगा, इसे भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और इधर आपको फिल्टरेबल का ऑप्शन है, इसे नो कर दीजिए। उसके बाद हमें ये समरी भी नहीं चाहिए जो ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है इसके नीचे, सो कॉन्टेंट में जाइए, पोस्ट कॉन्टेंट, और ये समरी का ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट समरी से नो कर दीजिए। ऑलराइट, फिर इसे अपडेट कर दें। इसी के साथ आपका ये सेक्शन भी होता है कंप्लीट। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारा ये होम पेज होता है कंप्लीट। अभी इसके बाद हमें कुछ और भी पेजेस, आगे के जो भी पेजेस है दो दो मिनट में, एक एक मिनट में क्रिएट होने वाले। सिर्फ ये पेज को मैं जानबूझ के एलिमेंट्स को यूज़ करके इसलिए दिखाना चाहता था आपको, ताकि आपको पता चल जाए, आप भी सीख जाए एलिमेंट्स को यूज़ करके कैसे पेज क्रिएट किया जाता है, तो फ्यूचर में अगर आपको एलिमेंट यूज़ करना है आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। अभी आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड पे आके पेजेस पे क्लिक करें, अभी एक नया पेज क्रिएट करते हैं, अभी दूसरे पेजेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ट्रैक ऑर्डर का पेज क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर टाइटल में हम डाल देते हैं ट्रैक ऑर्डर, और इस पेज को आप सिंपली पहले काम करें, आप शॉर्टकोड वाला जो आपने पेज ओपन किया था WooCommerce शॉर्टकोड, उसमें अगर आप जाएंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे आपका ये शॉर्टकोड है, ओके, ऑर्डर ट्रैकिंग का शॉर्टकोड, इसे यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर आइए, प्लस बटन पर दबाइए और सर्च कीजिए शॉर्टकोड, शॉर्टकोड वाले विजिट पर क्लिक कीजिए, और जो शॉर्टकोड आपने यहाँ से कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट करके इसे पब्लिश कर दें। अगर आप इसे अब नए टैब में ओपन करके देखें, ये आपका ऑर्डर ट्रैकिंग पेज बन गया। मुझे ये साइड बार नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, कॉन्टेंट लेआउट में इसे फुल विड्थ कर दूंगा, फिर से इसे अपडेट करूँगा, और इसे फिर से अगर आप रिफ्रेश करें साइड बार चला गया, ये इस तरीके से आपका ये पेज नज़र आएगा। उसके बाद मुझे ब्लॉग पेज क्रिएट करना है, सो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें, इसे टाइटल दे दीजिए ब्लॉग पेज का, इसे सिंपली हम ब्लॉग पेज का टाइटल दे देंगे, और कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ पब्लिश कीजिए। अभी जिस तरीके से अगर आप पहले तो इस पेज को अगर नए टैब में ओपन करके देखें, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेज है। सो जिस तरीके से हमने होम पेज को सेट किया था, उसी तरीके से हमें ब्लॉग पेज को भी सेट करना होता है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से सेटिंग्स पे हावर करके रीडिंग पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आप पोस्ट पेज में जो ब्लॉग का आपने पेज क्रिएट किया है उसे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करें आप देखेंगे ये आपका ब्लॉग पेज हो गया। आगे चल के हम इस पेज के स्टाइल को चेंज करेंगे, हम इसे कुछ इस तरीके से खूबसूरत स्टाइल बनाएंगे, बट वो बाद में करेंगे, वीडियो के एंड में हम इसके फाइनल कस्टमाइजेशन जब करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, उस टाइम देखेंगे। अभी हम अबाउट पेज क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए फिर से पेजेस पे हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी इसे टाइटल दे देते हैं अबाउट अस का, ओके, सो या फिर अबाउट का जो भी आप चाहें, और इसके कॉन्टेंट लेआउट को 100% फुल विड्थ कीजिए, टाइटल को डिसेबल करके इसे पब्लिश कर दीजिए। अभी मुझे इसे स्टाइल करना है, उसके लिए एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करें। अभी आप घबराइए मत, इसे फिर से मैं एलिमेंट्स को यूज़ करके नहीं करूँगा, मैं आपको एक फाइल दे रहा हूँ, सिंपली इंपोर्ट करें, आपका कंप्लीट पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके लिए आप इस पर क्लिक करें ऐड टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर अपलोड कीजिए, इम्पोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक कीजिए, और जो फाइल आपने डाउनलोड किया है उसके अंदर आपको ये फोल्डर मिलेगा पेजेस का,
उसके अंदर आपको अबाउट और कॉन्टैक्ट मिलेगा। अबाउट को सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, ये रहा आपका अबाउट टेम्पलेट। एक और बार हम इम्पोर्ट करके कॉन्टैक्ट वाले टेम्पलेट को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। दोनों टेम्पलेट आपके इम्पोर्ट हो गए। बिकॉज ये हमारा अबाउट पेज है, हम अबाउट पेज को सेलेक्ट करके इसे इंसर्ट कर देंगे और आप देखेंगे आपका कंप्लीट अबाउट पेज आपके सामने आ गया। एक ही चीज़ आपको चेंज करनी है, इमेजेस आपको हटाने यहाँ से, और सब के सब इमेजेस मैंने आपको दिया है। सो जो भी इमेजेस जहाँ से भी आपको चाहिए, मीडिया में जाइए, सब इमेजेस आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन इमेजेस हमें चाहिए, ये इमेज चाहिए और एक और इमेज जो के है, देख लेते हैं ये वाला इमेज, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको देखना है आप डेमो वेबसाइट में जाके अबाउट पेज को देख सकते हैं और उसी हिसाब से इमेजेस यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये इमेज डिस्प्ले करना है यहाँ पर, उसके बाद ये पीपल में ये वाला इमेज, ये वाला इमेज, जो भी जिस हिसाब से भी दिया हुआ है आप उस हिसाब से तीनों इमेजेस को यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑलराइट, और बॉटम में फिर ये वाला इमेज जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और ये बॉटम वाले को डिलीट करके ये रहा आपका अबाउट इस पेज। फिर से आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। अभी हम अपना कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करते हैं। अभी फिर से लेफ्ट हैंड साइड से आप पेजेस पे हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक करें और इसे टाइटल दे दीजिए कॉन्टैक्ट का या फिर कॉन्टैक्ट अस का, जो भी आप चाहें, और इसके भी लेआउट को 100% फुल विथ, और इसके टाइटल को हम हाइड कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, इसे पब्लिश करें, इसे भी एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दें। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सर्च कीजिए, फिर से ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, माय टेम्पलेट पे जाइए, कॉन्टैक्ट पेज का टेम्पलेट हमने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है, सिंपली उसे इंसर्ट कर दीजिए और ये रहा आपका कॉन्टैक्ट पेज। इसे अगर आप चाहें तो डिलीट कर दें बॉटम वाले सेक्शन को। इस मैप की जगह अगर आपको अपना लोकेशन यहाँ डिस्प्ले करना है, पेंसिल बटन पर दबाइए जो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा, और यहाँ पर सिंपली अगर आप अपना एड्रेस डालें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एड्रेस डालूँ मुंबई, आपको ये एड्रेस मिलेगा। अगर आप इसे चाहें तो जूम कर सकते हैं, इस तरीके से मैप का साइज़, हाइट, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट पेज हमें डिस्प्ले करना है बट वहाँ नहीं दिखा रहा है, सो उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, लेफ्ट हैंड साइड से आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और ये शॉर्ट कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी करें, अपने वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर सर्च कीजिए शॉर्ट कोड विजिट, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ये शॉर्ट कोड को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आएगा, सिंपली इसे अपडेट कर दीजिए। इसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट पेज भी होता है कंप्लीट। अभी हम एक काम करते हैं, हमने अभी तक विश लिस्ट को सेटअप नहीं किया है। अगर आप अपने वेबसाइट पे जाए और कोई भी प्रोडक्ट को ओपन करें, यहाँ पर अभी हमें विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सब ऑप्शन आ रहे हैं बस वो विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे हम प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर सके। सो उसके लिए हमें एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है, सो प्लगइन्स पे हावर करके ऐड न्यू पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आप सर्च कीजिए TI विश लिस्ट, आपको ये ऑप्शन मिलेगा TI WooCommerce Wishlist by Template Invaders, इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली इसे एक्टिवेट कर दीजिए, उसके बाद आपको ये सेटअप मिलेगा, बस लेट्स गो पे क्लिक करते रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू लेट्स गो पे आप बस क्लिक करते रहिए, कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहिए और इसे लास्ट में कीजिए रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। इसी के साथ आपका ये सेटअप हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी फिर से अगर आप इस पेज पे आके इसे रिफ्रेश करें, आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड टू विश लिस्ट का, ये रहा यहाँ पर बॉटम में। इसके स्टाइल को हम चेंज करेंगे, जैसा मैंने डेमो वेबसाइट में रखा है उसी हिसाब से मैं इसे रखूँगा, बट अभी ये बाद में करेंगे। अभी इसी के साथ जो भी चीज़ें हमें करनी थी सब के सब कंप्लीट हो गई। अभी फाइनल चीज़ करनी है, फाइनल में हम क्या करेंगे, मेन्यू, साइड बार, फुटर देखेंगे, उसके बाद फाइनल कस्टमाइजेशन करेंगे। हम मेन्यू से शुरू करते हैं, पहला ये मेन्यू जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, ये मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर चार मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, एक तो ये टॉप मेन्यू, फिर मेन मेन्यू, उसके बाद बॉटम में ये दो मेन्यू, चार मेन्यूज़ हमें क्रिएट करने हैं। उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आइए, अपीयरेंस पे हावर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से और मेन्यूज़ पे क्लिक करें। सबसे पहले हम टॉप मेन्यू से शुरू करते हैं। टॉप मेन्यू के लिए आप एक मेन्यू को कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप टॉप मेन्यू का नाम दे दीजिए ताकि आपको पता रहे ये टॉप मेन्यू है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले माय अकाउंट डिस्प्ले करना है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। व्यू ऑल पेजेस पे अगर आप क्लिक करें, आपको यहाँ पर ये रहा आपका माय अकाउंट पेज, इसे यहाँ पर ऐड टू मेन्यू कर दे। फिर से माय अकाउंट पेज लेके आइए और माय अकाउंट, सेकंड वाले माय अकाउंट को इसके टाइटल को चेंज करके रजिस्टर या फिर login/register कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपका ऑर्डर्स पेज है, ट्रैक ऑर्डर, विश लिस्ट और लॉगआउट, ये लिंक्स आपको बॉटम में मिलेंगे WooCommerce एंड पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर, उसके बाद ट्रैक ऑर्डर, पहले ऑर्डर्स को यहाँ पर डाल दीजिए और लॉगआउट को डाल दीजिए, और बीच के जो दो पेजेस है वो आपको पेजेस में मिलेंगे, ये रहा ट्रैक ऑर्डर और विश लिस्ट। लॉगआउट को सबसे नीचे मैं लेके आता हूँ। जब इतने पेजेस आप डाल दें,
टॉप बार पे सेलेक्ट करके सेव मेन्यू कर दे ताकि ये यहाँ पर टॉप बार में डिस्प्ले हो। अगर आप यहाँ पर आके अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करें, टॉप बार में आप देख सकते हो आपका मेन्यू आ चुका है। अब इसी तरीके से हम अपना मेन मेन्यू, जो ये वाला मेन्यू है, वो क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें। मेक श्योर पहले आप इसे सेव कर दें, उसके बाद क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें। इसे मैं मेन मेन्यू का नाम दे देता हूँ, ऑब्वियसली आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें। अब इसमें जो जो पेजेस आपको डिस्प्ले करने हैं, मुझे इसमें होम पेज, ब्लॉग पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, शॉप पेज, ये सब पेजेस डिस्प्ले करने हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब माय अकाउंट पेज भी, सो माय अकाउंट पेज है, ये रहा माय अकाउंट पेज, इसे भी मुझे डिस्प्ले करना है। मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ, शॉप पेज को ऊपर लेके आना है। और शॉप पेज के अंडर में अगर आप देखें, हमने कैटेगरीज डिस्प्ले की है। सो कैटेगरीज अगर आपको डिस्प्ले करना है, अभी आपके पास वो ऑप्शंस नहीं है। ये कैटेगरीज पे अगर आप क्लिक करें, ये आपके ब्लॉग के कैटेगरीज है, प्रोडक्ट के नहीं। प्रोडक्ट के कैटेगरीज अगर आपको चाहिए, ऊपर स्क्रीन ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें और यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरीज को टिक मार्क कर दें। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगे। जो जो कैटेगरीज आपको डिस्प्ले करना है, ऐड टू मेन्यू कीजिए और इन सबको शॉप के अंडर में इस तरीके से अलाइन कर दीजिए। उसके बाद मेन पे टिक मार्क करके सेव मेन्यू क्लिक करें। फिर से अगर आप यहाँ आके रिफ्रेश करें, आपका मेन मेन्यू भी डिस्प्ले करेगा। अभी बॉटम के लिए दो मेन्यू फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें। और अगर आप यहाँ पर देखें, हमें क्या करना है, बस सिंपल पांच पांच यहाँ पर ऑप्शंस डालने हैं। सो फुटर वन, फुटर टू का नाम दे दीजिए आप। इसे फुटर वन का नाम दे देता हूँ मैं। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें और इसमें कोई भी पाँच पेज, इस तरीके से मैं कॉन्टैक्ट और माई अकाउंट, ये पाँच पेज यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। सेव कर दीजिए। क्रिएट एन, यहाँ पर अभी कुछ भी टिक मार्क नहीं करना है, घबराइए मत। अभी क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें, फुटर टू टाइप कर दीजिए, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। और इसमें मैं वू कॉमर्स एंड पॉइंट में से 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच लिंक डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा, बॉटम में से कुछ भी आपको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। ओके, यहाँ आके आपको कुछ रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं। ये आपका हो गया फुटर का ऑप्शंस। अभी इन फुटर को यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे अपीयरेंस के अंडर में, आपको कस्टमाइज़ का नहीं, ये आप इस पर क्लिक करें, विजिट्स पे क्लिक करें, विजिट्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें और आपको ये ऑप्शन मिलेगा, फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर। सो फर्स्ट फुटर में हमें ये डिस्प्ले करना है टेक्स्ट। ओके, सो टेक्स्ट के लिए आप बॉटम में सबसे नीचे जाइए, आपको ये ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट, उस पर क्लिक करें, फुटर वन को सेलेक्ट करें, ऐड विजिट पर क्लिक कर दें। और इसे मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर तो मुझे अपना लोगो डिस्प्ले करना है। सो जो भी आपका लोगो है, आप यहाँ पर उसे अपलोड कर दें। ये रहा हमारा लोगो, इसे अपलोड कर देंगे ऊपर, इंसर्ट न्यू मीडिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप करके सेव कर दें। फुटर टू में हमें क्या करना है, नेविगेशन मेन्यू ऐड करना है। जो ये रहा नेविगेशन मेन्यू, फुटर टू, ऐड विजिट पे क्लिक करें। इसमें जो भी आपको लिंक देना है, जो भी नाम देना है फॉर कस्टमर्स, और मैं यहाँ पर फुटर वन जो हमने सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरीके से फिर से हम नेविगेशन मेन्यू ऐड करेंगे, ये रहा। इस बार फुटर थ्री सेलेक्ट करें, इसका टाइटल हम देंगे क्विक लिंक्स और इसके लिए फुटर टू को सेलेक्ट कर लेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। और फाइनल फुटर में हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने हैं। उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन कॉन्टैक्ट इन्फो को फुटर फोर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर दें और एड्रेस में क्या करना है, आइकन क्लास टाइटल को छोड़ के कंटेंट में आप अपना ये एड्रेस चेंज करके अपना एड्रेस डाल दे, फ़ोन नंबर में भी कंटेंट चेंज करें, बाकी दोनों को छोड़ दे, मोबाइल नंबर पे भी अगर आपको जो भी चेंज करना है सिर्फ कंटेंट चेंज करें, टाइटल और आइकन क्लास को छोड़ दे। अगर आपको फैक्स नहीं डिस्प्ले करने, सबको डिलीट कर दे। ईमेल भी अगर आपको नहीं डिस्प्ले करने, जो भी उसके अंडर में है सबको डिलीट कर दे। इसी तरीके से ये सब चीज़ों को डिलीट कर दे। उसके बाद अगर आप यहाँ आके रिफ्रेश करें, आप देखेंगे अभी आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसके स्टाइल को ऑब्वियसली हमें चेंज करना है, इसके कलर को, ये सब चीज़ों को हम चेंज करना है, ये लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, अगर आप ब्लॉग पे आए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमें इसके भी ऑप्शंस को चेंज करना है, इसे साइड बार बोलते हैं। सो हमें साइड बार को चेंज करना है, हमें कुछ इस तरीके से खूबसूरत साइड बार यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, ये भी ऑप्शन हम विजिट्स के ऑप्शन से ही करेंगे। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट साइड बार का ऑप्शन है, पहले तो इन दोनों को डिलीट कर दे, रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट की हमें ज़रूरत नहीं। ऊपर सर्च बार है, उसके बाद रीसेंट पोस्ट है, बट हमें दूसरे रीसेंट पोस्ट की ज़रूरत है जो आपको यहाँ मिलेगा। ये रहा, ये वाले रीसेंट पोस्ट को सेलेक्ट करें, डिफ़ॉल्ट साइड बार, ऐड विजिट पे क्लिक कर दें। कितने रीसेंट पोस्ट आपको डिस्प्ले करने हैं वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको डिस्प्ले करने हैं ये सोशल आइकन्स। ओके, सोशल आइकन्स आपको मिलेंगे यहाँ, ये रहे सोशल आइकन्स, डिफ़ॉल्ट साइड बार सेलेक्ट कर लें।
इस यहाँ सिर्फ एक चेंज आप ये कर ले, यहाँ स्टाइल में यहाँ पर कलर डाल दें, बिकॉज हमें कलरफुल आइकन डिस्प्ले करने हैं। अगर आपने यहाँ पर लाइट रहने दिया तो सिर्फ वो ग्रे कलर के आइकन्स होंगे। अभी जो जो आपके ऑप्शंस हैं ट्विटर के लिए, ये सब के लिए जो भी आपके लिंक्स हैं, वो लिंक्स आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दें, फिर बॉटम में जाके इसे सेव कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें ये लास्ट वाला ऑप्शन है फॉलो अस ऑन ट्विटर वाला। सो ट्विटर या फिर फेसबुक, फेसबुक का भी ऑप्शन है, ट्विटर का भी, इंस्टाग्राम का भी है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है। मुझे ट्विटर डिस्प्ले करना है जो है, यहाँ मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ बॉटम में। अपना सिर्फ यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर दें, मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर दें। और मुझे 5 ट्वीट्स नहीं, मुझे सिर्फ 2 ट्वीट्स डिस्प्ले करने हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। ऑलराइट, ओके गाइस, सो ये जो बेसिक सेटिंग्स थी सब कंप्लीट हो गई। अभी सिर्फ एक चीज़ बचा है, फाइनल कस्टमाइजेशन। उसके लिए मैं होम पेज पे आऊँगा और उसके बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन नहीं मिले अपीयरेंस के अंडर में, आप ये कस्टमाइज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ रह गई है, वो है कस्टमाइज़ को लोड होने दे। और ये है आपका शॉप पेज का साइड बार। शॉप पेज में भी एक साइड बार होता है, अगर आप शॉप पेज पे क्लिक करें, यहाँ भी अभी यही साइड बार डिस्प्ले हो रहा है। शॉप पेज में हमें थोड़ा दूसरा साइड बार डिस्प्ले करना है। उसके लिए आप जो भी चीज़ आपको डिस्प्ले करनी है, आप WooCommerce साइड बार में उसे डालेंगे। मैं पहले यहाँ पर डेमो वेबसाइट में शॉप पेज ओपन कर लेता हूँ। पहले तो आपका सर्च का ऑप्शन है, शॉप के लिए सर्च का ऑप्शन। सो उसके लिए आप सर्च यहाँ पर ढूंढे, सर्च ऑप्शन ये रहा। अभी हर चीज़ के लिए आपको WooCommerce साइड बार सेलेक्ट करें, ऐड विजेट पे क्लिक करें। उसके बाद आपका ऑप्शन है फिल्टर बाय प्राइस। सो इसके लिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, इसे सेलेक्ट करें, ऐड विजेट पे क्लिक कर दें। ओके, उसके बाद आपका ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय साइज। सो उसके लिए फिल्टर बाय एट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट। ओके, अभी फिल्टर बाय कलर कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ एट्रीब्यूट में कलर सेलेक्ट करके ये सेव कर दीजिए। फिर से ये ऑप्शन लीजिए, फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट। अभी टाइटल में डाल दीजिए फिल्टर बाय साइज, और यहाँ पर एट्रीब्यूट में साइज सेलेक्ट करके इसे सेव कर दीजिए। और बॉटम में हमने क्या किया है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ मिलना चाहिए वो ऑप्शन, प्रोडक्ट बाय रेटिंग, एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर शायद है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, ये भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट्स, ये रहा प्रोडक्ट्स, इसे यहाँ पर डिस्प्ले कर दें। इसका टाइटल आप जो भी चाहे दे सकते हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स, ऑन फीचर्ड प्रोडक्ट्स, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ऑन सेल प्रोडक्ट्स, जो भी आपको डिस्प्ले करने हैं यहाँ पर सर्च कर ले। और सबसे बॉटम में प्रोडक्ट के कैटेगरीज हमें डिस्प्ले करने हैं। ओके, सो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ को आप अनटिक कर दें, इनेबल शो हायरार्की, हमें नहीं डिस्प्ले करना है, सेव कर दें। अभी अगर आप यहाँ पर आके रिफ्रेश करें, यहाँ पर आप देखेंगे साइड बार चेंज हो चुका है। सो ये एक काम करना है, फिर से अभी कस्टमाइज पे आ जाते हैं। अभी इसी के साथ आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हम ये कस्टमाइज दे फाइनल सेटिंग है। उसके बाद लास्ट में बस मैं ये आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं। पहले तो हम ऊपर से शुरू करते हैं, ये आपका टॉप ऑप्शन। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो कलर को चेंज कर देते हैं, हमारा प्राइमरी कलर। अभी आपका प्राइमरी कलर ये ब्लू कलर है, हर जगह आपको ये ब्लू कलर दिखेगा। जब आप मेन्यू पे हावर करें, कार्ट आइकन पे ब्लू कलर दिखेगा। उसके लिए आप जनरल ऑप्शन पे जाइए, जनरल स्टाइलिंग पे जाइए, प्राइमरी कलर में इसे डिलीट करके EF3F49 इसे टाइप कर दें। अभी अगर आप इधर हावर करें, मेन्यू पे हावर करें, कार्ट आइकन पे देखिए, आपका ये रेड कलर आ गया। पहले ये कर लेते हैं। अभी हम ऊपर से शुरू करते हैं, पहले टॉप बार पे क्लिक करें, बिकॉज हमें शुरू ऊपर से करना है। अभी यहाँ पर अगर आपको कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या डिस्प्ले किया है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सो मैं यहाँ पर वो टेक्स्ट, पहले ये सब कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट डिस्प्ले करूँगा, पेस्ट करूँगा। ऑलराइट, अभी हमारे को अगर ये डिस्प्ले करना है, ये आइकन्स डिस्प्ले करना है, सो आप इस वेबसाइट पे जाइए, fontawesome.com या fontawesome.io, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर आप सर्च कीजिए एनवलप आइकन, उसके बाद आपको ये वाला आइकन, एनवलप का आइकन यूज़ मिलेगा, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ईमेल एड्रेस के आइकन को डिस्प्ले करने के लिए। आप इस पर क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट मिलेगा, आई क्लास इज इक्वल टू, उस पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अभी यहाँ पर आके आप ईमेल एड्रेस से पहले बस उसे पेस्ट कर दीजिए। अभी आप अपने वेबसाइट में देखेंगे वो आइकन आ गया। इसी तरीके से अभी आप सर्च कीजिए आइकन फ़ोन स्क्वायर, स्क्वायर फ़ोन ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा, फ़ोन स्क्वायर का एक ऑप्शन है, उस आइकन को सर्च कीजिए, इस पर भी क्लिक करें, यहाँ आके इसे फ़ोन नंबर से पहले पेस्ट कर दीजिए, आपका ये ऑप्शन भी आ गया, इसे पब्लिश कर दें। अभी पीछे आइए, जनरल ऑप्शन में जाइए,
और टेक्स्ट कलर ये लाइट ग्रे कलर है, मुझे इसे ब्लैक करना है। सो टेक्स्ट कलर को इस तरीके से ब्लैक कर दें, लिंक कलर को भी इस तरीके से ब्लैक कर दें। ओके, पब्लिश करें, पीछे आइए, अभी फिर से पीछे आइए। उसके बाद हमारा ये सेक्शन है, यहाँ पर मुझे यहाँ इस चीज़ की जगह लोगो डिस्प्ले करना है। सो हेडर पे जाइए, लोगो पे जाइए, जो भी आपका लोगो हो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करें। अगर आपका लोगो थोड़ा बड़ा है, अगर उसका साइज़ बड़ा है, ये तो एकदम परफेक्ट साइज़ है, बट अगर उसका साइज़ बड़ा है, आप मैक्सिमम हाइट में 50 यहाँ पर टाइप करेंगे या फिर 45 टाइप करेंगे, वो चीज़ अपने आप फिक्स हो जाएगी। उसके बाद पब्लिश करें, फिर से पीछे आइए, अभी हेडर पे जाइए, मेन मेन्यू पे सेलेक्ट कीजिए हेडर जनरल ऑप्शन, और यहाँ पर मुझे ये बहुत बड़ा इसका हाइट लग रहा है हेडर का, सो मैं इसे डिक्रीज़ करके 50 कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे हेडर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया। उसके बाद हम पीछे आएंगे और मेरे ख्याल से मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिंक कलर को आप ब्लैक कर दीजिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और लिंक हावर कलर पहले से चेंज है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पब्लिश कर दी। अभी दो चीज़ यहाँ करना है, पहले तो ये कार्ट आइकन बहुत छोटा है, इसे आइकन को साइज़ को बड़ा करना है। उसके लिए WooCommerce में जाइए, मेन्यू कार्ट पे जाइए, और अगर आपको दूसरा कोई आइकन चाहिए आप यहाँ से वो आइकन सेलेक्ट करें और आइकन का साइज़ इस तरीके से बढ़ा दें, इसे वर्टिकली सेंटर भी कर दें इस तरीके से। उसके बाद पब्लिश कर दें, और इसी हिसाब से अगर आपको सर्च बार का आइकन छोटा लग रहा है, फिर से उस CSS वाले फोल्डर में जाइए, फाइल में जाइए, उसे ओपन कीजिए। यहाँ पर अब एक काम करें, ये यहाँ पर विश लिस्ट के लिए, आइकन, हेडर के लिए, सबके लिए कोड दिया हुआ है, बस इस कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आइए, इसे कट नहीं करना था, कट कर दिया मैंने गलती से, फिर से कस्टमाइज पे क्लिक करें। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको कस्टम CSS का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके जो भी आपने कॉपी किया बस पेस्ट कर दीजिए। अभी आप देखेंगे आपके आइकन का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। दूसरा चीज़ क्या हुआ है, आप सबके सब कोड देख सकते हैं, पहले तो होम पेज का प्राइस यहाँ पर फिक्स हो गया है, देखेंगे होम पेज का प्राइस का कलर और स्टाइल चेंज हो गया है। उसके बाद विश लिस्ट भी ऑप्शन फिक्स हो गया, अभी अगर आप कोई भी इमेज के ऊपर हावर करें आपको ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन हो गया। सिंगल प्रोडक्ट को भी अगर आप ओपन करें वहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट का वो बटन आपके लिए हो जाएगा, ये रहा ऐड टू विश लिस्ट का बटन। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको पहली बताया, आइकन का हेडर बड़ा हो गया, ये आइकन हेडर में जो है वो बड़ा हो गया है। अभी हमें एक काम करना है, अगर आप डेमो वेबसाइट में अगर आइकन पे क्लिक करें, या आइकन पे क्लिक करने से, सर्च आइकन पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, आपका पूरा मेन्यू सर्च बार में क्लिक कन्वर्ट हो जा रहा है। और दूसरा चीज़, अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करें, सो प्रोडक्ट सर्च होता है, मैं दिखा दूँ आपको, अगर आप इसमें प्रोडक्ट सर्च करें, ये प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मैं इसे पब्लिश करके नए टैब में ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को। अभी मैंने यहाँ पर अगर सर्च किया कुछ भी चीज़, मैं शर्ट सर्च करता हूँ यहाँ पर, अभी ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट को नहीं सर्च कर रहा है, ये यहाँ पर ब्लॉक को सर्च कर रहा है। सो हमें ये दो चीज़ें यहाँ से चेंज करनी है। उसके लिए फिर से पीछे आइए, आप जनरल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर जनरल सेटिंग में जाइए, और सर्च रिज़ल्ट, ये रहा सर्च रिज़ल्ट पेज में, सोर्स में आप प्रोडक्ट सर्च कीजिए, उसके बाद पब्लिश कीजिए। अभी फिर से मैं एक बार आपको दिखाऊँ, अगर होम पेज पर हम जाए, रिफ्रेश करें, और अभी इस बार भी मैं शर्ट सर्च करूँ, अभी आप डिफरेंस देखेंगे, इस बार ये आपको प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, नो प्रोडक्ट्स फाउंड, बट ये प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, आप देख सकते हैं ब्लॉक सर्च नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये स्टाइल चाहिए कि अगर आप उस पर क्लिक करें सर्च आइकन पे, पूरा आपका हेडर सर्च में क्लिक हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे हेडर पे, और मेरे ख्याल से मेन्यू में नीचे स्क्रॉल करें, और ये रहा सर्च आइकन स्टाइल, आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करें हेडर रिप्लेस। अभी आप अगर उस आइकन पे सर्च आइकन पे क्लिक करें, अभी आप देखेंगे आपका हेडर रिप्लेस हो चुका है। ऑलराइट, अभी पीछे आते हैं, फिर और भी कुछ चेंजेस है वो भी कर लेते हैं। अभी हम मेन टाइपोग्राफी के चेंजेस, अगर आपने कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट ओपन किया, यहाँ पर आप देखेंगे टाइपोग्राफी काफ़ी भद्दी है, अभी ये ग्रे कलर का मुझे पसंद नहीं, मुझे इसे ब्लैक करना है और टाइपोग्राफी भी चेंज करना है। उसके लिए टाइपोग्राफी पे जाइए, बॉडी पे जाइए, डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट को मॉन्टसेरेट कर दीजिए, MONTSERRAT। ओके, आप देखेंगे ये चेंज हो गया, और फॉन्ट कलर को यहाँ से चेंज करके ब्लैक कर दीजिए। उसके बाद आप इसे पब्लिश कर सकते हैं, पीछे आइए। टाइपोग्राफी में और भी चेंजेस है, पहले अगर आप देखें यहाँ पर बॉटम में हम फुटर को फिक्स कर लेते हैं, पहले फुटर विजेट पे क्लिक करें, और इसके बैकग्राउंड कलर को मुझे चेंज करना है, ये बैक ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मैं इधर F9 टाइप कर दूंगा, ये ग्रे कलर आपको मिल जाएगा, बहुत ही लाइट ग्रे कलर, और बाकी जो टेक्स्ट कलर है सबको ब्लैक कर दीजिए, टेक्स्ट कलर और लिंक कलर, ये रहा लिंक कलर और टेक्स्ट कलर। अभी आप देखेंगे इस तरीके से नज़र आएगा, इसे पब्लिश करें। इससे एक चीज़ हुआ है कि आपका टाइटल हाइड हो गया है, ओके, उसे फिक्स करने के लिए फिर से आप टाइपोग्राफी पे आइए और फुटर विजेट हेडिंग सेलेक्ट कीजिए, और इसके कलर को चेंज करके ब्लैक कर दीजिए।
और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं 600 या 700, ये रहा आपका टाइटल, पब्लिश कर दें। अभी हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट के आर्काइव को फिक्स करते हैं। अगर आप शॉप पेज पे क्लिक करें, आपका आर्काइव कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, मैं इसे फिक्स करता हूँ, पीछे आइए। फिक्स क्या करना है मैं बताता हूँ, वू कॉमर्स पे जाइए, आर्काइव्स पे क्लिक करें। मुझे आर्काइव्स में ये बटन डिस्प्ले नहीं करना है, सो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, ये ऐड टू कार्ट बटन को यहाँ पर डिसेबल कर दूंगा। और मुझे कैटेगरीज जो टी शर्ट PDFs है वो भी डिस्प्ले नहीं करना है, इसे भी मैं डिसेबल कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। फिर से आप पीछे आ जाइए, बैक आ जाइए। अभी हम सिंगल प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट के डिज़ाइन को मुझे क्या करना है, मुझे इसे फुल विथ करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर साइड बार है, सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए और इसे फुल विथ कर दीजिए। लेआउट को फुल विथ करेंगे, साइड बार यहाँ से गायब हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी ये बहुत ही भद्दा लग रहा है ये वाला ऑप्शन, सो मैं इसके टाइपोग्राफी को भी चेंज कर देता हूँ। टाइपोग्राफी पे जाइए और प्राइस का ऑप्शन होएगा आपको, प्रोडक्ट का प्राइस, WooCommerce प्रोडक्ट प्राइस सबसे नीचे है, इसे आप लैटो कर दीजिए। अभी आप देखेंगे काफ़ी बेटर लग रहा है। लैटो करने के बाद आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये इस तरीके से नज़र आएगा। अभी आप इसे पब्लिश कर दें। ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ और भी सेटिंग्स है। अगर आपको ये कलर को चेंज करना है, इसके प्राइस के कलर को ग्रीन कलर की जगह कोई और कलर करना है, आप उसे भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से WooCommerce एडवांस स्टाइलिंग में जाके। यहाँ पर आप नीचे अगर स्क्रॉल करें ये साइड में, आपको ऑप्शन मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट का, मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, ये रहा सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका प्राइस कलर ग्रीन कलर है, इसके जगह जो भी कलर, अगर आप ब्लू कलर देखें आपका ये ब्लू कलर आ गया। सो जो भी कलर आपको चाहिए आप वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इस बटन को फिक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे हमारे डेमो वेबसाइट में ये बटन थोड़ा डिफरेंट लगता है, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊं आपको। ये बटन सर्कुलर है और इसका कलर भी डिफरेंट है, सो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, पीछे आएंगे। और मेरे ख्याल से एडवांस स्टाइलिंग में भी वो ऑप्शन था। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, सिंगल प्रोडक्ट पे जाएं, ऑलराइट एक मिनट, ये रहा सिंगल प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, ओके यहाँ पर वो चेंजेस होंगे। पहले तो इसके कलर को चेंज करना है, ऐड टू कार्ट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर ये कलर पेस्ट कर दें, 44C4AC, आपको ये कलर मिल जाएगा। और इसे हमें क्या करना है, हमें इसे सर्कुलर बनाना है, सो उसके लिए आप यहाँ पर, आपको बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर 50 टाइप कर दीजिए, ओके 50 के बाद PX टाइप कर दीजिए, 50 पिक्सल्स, आपका ये ऐड टू कार्ट बटन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद इसे आप पब्लिश कर दें। अभी आप एक काम करें, ब्लॉग पेज पर अगर आप जाएँ, ब्लॉग पेज अभी बहुत भद्दा लग रहा है इस तरीके से, इसे भी फिक्स करने के लिए पीछे आइए, ब्लॉग पे जाइए, फिर से पीछे आइए, ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा, आर्काइव पे जाइए, ब्लॉग एंट्रीज पे, और इसके स्टाइल को चेंज कीजिए। ब्लॉग स्टाइल है लार्ज इमेज, आप इसे थंबनेल कर दीजिए। अभी आपको ये स्टाइल मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। और आई गेस इसी के साथ ये वेबसाइट कंप्लीट होता है। अभी इसे कट कर देते हैं। अभी मैं आपको एक लाइव पेमेंट करके दिखाता हूँ कि कस्टमर कैसे आपके वेबसाइट पे आके लाइव पेमेंट कर सकता है, और जब आपके पास ऑर्डर आता है आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं प्रोडक्ट का रेट कम कर देता हूँ ताकि मुझे बहुत कम पैसे पे करने पड़े, और मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट का रेट मैं इसलिए, बिकॉज अभी मैं लाइव पेमेंट करने वाला हूँ, मेरे ही अकाउंट से कट के मुझे ही मिलने वाला है, सो मैं इसके प्राइस को चेंज कर रहा हूँ। आप वेरिएशंस में जाएं या फिर जहाँ भी आपका प्राइस है, मैं ब्लैक कलर का मीडियम ऑर्डर करूँगा और मैं उसे सिर्फ 100 रुपीज़ कर देता हूँ, ओके। इसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक करें, इस प्रोडक्ट को अपडेट करें। यहाँ पर अगर आके मैं फिर से इस प्रोडक्ट को रिफ्रेश करूँ, ओके, अगर मैं ब्लैक कलर का मीडियम मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ मुझे पे करना है। मैं इसे ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे प्रोडक्ट आपका कार्ट में ऐड हो चुका है। हम इसे व्यू कार्ट पर क्लिक करते हैं और कार्ट पेज हमारा फुल विथ नहीं है, कार्ट पेज को पहले मैं फुल विथ कर देता हूँ, ओके। सो पेजेस पे जाइए, हमें ये साइड बार नहीं चाहिए, सो मैं कार्ट पेज पे जाऊँगा, इसे फुल विथ कर दूंगा, और भी पेजेस जो भी है उन्हें भी फुल विथ कर दे। कंटेंट लेआउट में फुल विथ अपडेट, उसके बाद पीछे आइए और चेकआउट पेज को भी फुल विथ कर दीजिए, चेकआउट इसे भी फुल विथ कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, और उसके बाद माई अकाउंट पेज रहेगा, ये रहा, इसे भी आप फुल विथ कर दीजिए, और विश लिस्ट पेज, जो भी पेज है सबको आप फुल विथ रखें, साइड बार की ज़रूरत नहीं, आप इसे अपडेट कर दें। अगर फिर से मैं यहाँ के रिफ्रेश करूँ, अभी आप देखेंगे हर चीज़ काम कर रही है। अगर आप यहाँ देखें कैलकुलेट शिपिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे, और महाराष्ट्र जो भी आपका इंडिया है, महाराष्ट्र जो भी टाउन है आपका, अगर आप उस पर क्लिक करके अपडेट करें, आपका GST
अपने आप, और शिपिंग भी अपने आप हो गया। बिकॉज आपको याद होगा महाराष्ट्र में हमने 60 रुपीज़ डाला था, इसलिए 60 रुपीज़ हो गया। और GST भी इंडिया में हमने सेलेक्ट किया 10 रुपीज़, 10% GST, 10 रुपीज़ और 60 रुपीज़ ये आपका शिपिंग। अगर मैं महाराष्ट्र की जगह गुजरात सेलेक्ट करूँ या फिर कोई और स्टेट सेलेक्ट करूँ और अपडेट करूँ, आप देखेंगे ये 100 रुपीज़ हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज हमने आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए वो सेटिंग किया था। मैं यहाँ महाराष्ट्र फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कितना एडवांस सिस्टम है ये। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे हम क्लिक करेंगे, फिर कस्टमर यहाँ पर आके अपने इन्फॉर्मेशन फिल इन करेगा फटाफट, जो भी उसके इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें। अभी एक चीज़ यहाँ पर मुझे फिक्स करना है, ये फ़ोन है, मुझे इसे ऑप्शनल नहीं, मुझे इसे रिक्वायर करना है। फ़ोन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम WooCommerce सेटिंग्स पे जाएंगे, पेमेंट्स पे जाएंगे और PayPal चेकआउट पे जाइए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा वो ऑप्शन, रिक्वायर फ़ोन नंबर। आप इसे टिक मार्क कर दीजिए, सेव चेंजेस पे कीजिए, फिर से यहाँ पर आके अगर आप रिफ्रेश करें, अभी फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड हो गया है। कस्टमर को फ़ोन नंबर डालना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ़ोन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का। अभी जैसे ही कस्टमर सब इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, या तो वो PayPal के थ्रू पे कर सकता है या फिर डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। मैं डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, और मुझे ये ऑब्वियसली ये जो मैं डिटेल जानने जा रहा हूँ ये हाइड करना होगा। ओके, मैंने डिटेल डाल दिया, उसके बाद मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ये पेमेंट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पेमेंट प्रोसेस हो रहा है, जो भी बैंक है आपका उस बैंक के पेमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा। सबसे खास बात आप देखेंगे, आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं रीडायरेक्ट हुए, आप खुद अपने वेबसाइट पर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे OTP आएगा, मुझे वो OTP ऑब्वियसली यहाँ पर एंटर करना होगा। आ गया मुझे OTP, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपने अपने बैंक में OTP डिसेबल किया तो OTP नहीं आएगा। अभी ये यहाँ पर लोड होगा, और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप देखेंगे जैसे ही कस्टमर का पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसे ये ऑप्शन मिल जाएगा। अभी उसे ऑर्डर नंबर मिल गया, उसका ऑर्डर नंबर ये है, उसका डेट उसने ये है, टोटल पेमेंट उसने ये किया, पेमेंट मेथड क्या, सब की सब चीज़ें उसे मिल गई। अभी आपको क्या होगा, अगर आप अपने डैशबोर्ड पे आए, जब भी आपको नया ऑर्डर आएगा पहले तो आपको एक ईमेल आएगा, और देखेंगे आप यहाँ पर 100 रुपये का आपका सेल हुआ एक ऑर्डर प्रोसेसिंग में। अगर आप ऑर्डर पे क्लिक करें, ये रहा ऑर्डर, उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, मास्टर कार्ड के थ्रू एक पेमेंट हुआ है, वो सक्सेसफुल हुआ है, आपको पता चल गया ये पेमेंट सक्सेसफुल है। आपके पास उसका शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, ईमेल एड्रेस है, अभी इस एड्रेस पे आप उसको शिप कर देंगे, प्रोडक्ट को कंप्लीटेड कर देंगे। जैसे आप इसे शिप करें, कंप्लीटेड करके इसे अपडेट कर देंगे, जैसे आप इसे अपडेट करें ट्रांजैक्शन अपने आप आपका सेटल हो जाएगा, और उस कस्टमर को भी वो ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा, उसे वो ऑर्डर मिल जाएगा। और आई गेस सो इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। बहुत कम शायद ही कोई वीडियो होगा जिसमें आपको इतने डिटेल में इतने प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट सिखाया होगा, वो भी फ्री चीज़ों को यूज़ करके। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। मैं हिंदी में बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, बट अगर आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें मैं ज़्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगा। और अगर आप लोग को थ्रू आउट दी वीडियो कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉमेंट हो, कोई भी मेरे लिए सजेशन हो, सवाल हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। और आई गेस सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।